फ़खरे पंजाब, फ़खरे चन्यूट, उसमें में चन्यूट भी हैं, उस्ताद मिठुल अली साहब, उस्ताद रसूल अली साहब। जो आजकल जो आज लाइव आने की बेसिक वजह ये है, कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम चली थी, कुछ इशू चल रहा है ग्रुपों में, तो उसका राणा ताहर साहब हैं गालिबन सरगोधा के, वो उस्ताद मिठुल अली ग्रुप से थोड़ा सा कोई तनाजा चला किसी बात पर, क्या बात है, क्या सिलसिलेकार है। उस्ताद हसन लाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मिठुल अली साहब भी मौजूद हैं। एक लाली हसन भाई की एक रिकॉर्डिंग ग्रुपों में चलाई गई है, बहुत ही गलत तरीके से चलाई गई है, तो असल हकीकत लोगों को नहीं पता मेरे ख्याल, तो इसी वजह से आज हसन भाई और मिठू भाई दोनों एक साथ लाइव आएंगे माशाल्लाह। काफ़ी दोस्त माशाल्लाह मेरे साथ आ गए हैं, उसको वीडियो और वॉइस क्लियर है। जी वालेकुम अस्सलाम बकार भाई, कल भी वीडियो वॉइस क्लियर है ये कंफर्म करें, फिर इंशाल्लाह दोस्तों साथ आ जाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। जी भाई सर बिल्कुल नहीं एडमिट होकर ओके जी अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं चैंपियन पंजाब फ़खरे चन्यूट उस्ताद मिठू लाली उस्ताद हसन लाली साहब की छत पर, तो इन प्यारे भाइयों से प्यारी प्यारी बातें भी होंगी, चंद एक चुभते हुए सवालात भी होंगे और शौक़ के मुतल्लक भी जनाब इनसे हम गुफ्त और शनीद करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ लाइव हो जाइए, हम जल्दी सवालात का और प्रॉपर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सज्जू भाई सलाम दे रहे हैं जी हसन भाई आपको। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं भाई, ठीक हैं। साथ हो कोरोना भी है नहीं, कोरोना का नहीं होता था नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अली भाई। जी मिठू भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। सही है, आपके फेस से आपको थकावट सी महसूस हो रही है? नहीं गर्मी है जरा, फिर आजकल थोड़ी सी अच्छा की तैयारी में भी मसरूफ है, उसकी वजह से भी। क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है, ठीक है जी? वालेकुम सलाम काशिफ भाई, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हसन भाई अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपकी नवाजिश है जी, बड़ी मेहरबानी। और सुनाए सब खैरियत है? जी मिठू भाई पहले तो हम आपकी चन्यूट शहर से बात करते हैं, कबूतरबाजी के मुतलका जेठ के बाद मेरे ख्याल मैंने अब तक आपका इंटरव्यू नहीं किया, तो जेठ में माशाल्लाह आप कैसे, आपके रिजल्ट रैंक मौसमों के कबूतरों के क्या सीजन रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, अपना 60 गज आबादी थी जी, तो 12 से आ रहे हैं 48 जीते, 12 घरों से आपकी हार जीत हुई है जी। और 40 घरों से जीते हैं, 48 उसके बाद मिठू भाई आपका हमारे मुकाबला हुआ था फैसलाबाद में उस्ताद राणा मुन्ना साहब का, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे भी फ़ोन करके पूछा, मेरे लाइव में भी कमेंट किए, आपकी पोस्टों के नीचे भी कमेंट किए, तो क्या उस्ताद राणा मुन्ना साहब की जब बाजी थी वो किसी ने कैंसिल, क्या तरीके का? वो जो छत थी ना अपना ऑफिस जिनस वाली जी जी जी, के बाद वो बाजी राणा साहब ने अपना मेरे ख्याल उस्ताद राजा उस्ताद काका साहब ने उस्ताद मीर उख्तार साहब को फ़ोन किया था कि वो बाजी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए कैंसिल हो गई। ठीक है माशाल्लाह, जे जो जेठ के मुकाबले आपके उड़े हैं मिठू भाई, कई जगह पे वेदर ऐसा रहा है, मौसम सिर्फ बदल रहा है, और आपके चन्यूट में आपकी वीडियो भी वायरल होती रही है बारिशों वाली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्ट ऑफ गेम है अपना, अल्लाह पाक जैसे मर्जी होता तो वैसे ही है, तो मौसमों की हेर फेर रही काफ़ी, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, लास्ट काफ़ी बाजियाँ बिनी जा रही थी, तो 11वीं प्रवास भी हमें वो लॉस करनी पड़ी मौसम की वजह से, बाकी जो अल्लाह की रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह।
आखिरी बाजी आपके किन घरों से कांटेदार मुकाबला था? अपना अजरमान से फाइनल था, मतलब टोटल एवरेज का फाइनल था मेरे ख्याल दोनों फार्मर का सर राजीव प्रकाश काका साहब से, आसम पलवान साहब से, राजा काका साहब से। तो हम तकरीबन लीड में जा रहे थे, 32 घंटे की लीड थी जब 11वीं प्रभात हुई स्टार्ट हुई थी, 32 घंटे हमारी लीड थी और उस्ताद आसम पलवान से 35 घंटे की लीड थी और उन्होंने कबूतर मेरे ख्याल में रन ना उड़ाए। इस तरह सारे प्लेयर्स तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ने लीड थी हमारी, मतलब तो आखिरी दिन मौसम की वजह से। गालिबन मेरे ख्याल यूँ है जैसे अपने यहाँ पे तूफान और बारिश लग गई है, कई शहरों में सिर्फ बदल रहा है, तूफान भी नहीं लगा और बारिश भी नहीं। अगर बारिश हुई ना तो वो हुआ ये है कि वो इलाकों से किसी 3 बजे आ गया कि 4 बजे आ गया, तो कुछ इस तरह उनकी बचत हुई थोड़ी। आपके जो आखिरी बाजी में तूफान लगा या बारिश हुई है वो कितने बजे हुए? ये हुआ है कोई 8:30-9 बजे के करीब। उस टाइम आपके जब झंडी टाइम था उस टाइम मौसम कैसा था? मौसम हवा तेज थी तो उसके राइट 15-20 मिनट बाद तूफान चला, बहुत सख्त चला मिट्टी वाला झंडी टाइम जब पल्ला मारे ना उसके 15-20 मिनट बाद तो कबूतर सारे चले गए, मगर 8-9 कबूतर खड़े हो गए थे बांध में। तो जैसे मौसम हवा कम हुई कबूतर चले गए थे चमकों में, तो उसके बाद बहुत तेज तूफानी बारिश आई है, तो फिर तूफान आया उसमें कबूतर बैठे हैं, 3 कबूतर मिस हुए, 3 मिस भी हो गए और बाकी जल्दी बैठ गए, 1 कबूतरी पौने 4 बैठी, 1 कबूतरी तूफान वाले दिन 4:45 बैठी आखिरी बाजी और 3 कबूतर। वो ऐसे है कि हर जगह पर बारिश नहीं थी, ठीक है इधर हमारे इलाके में भी फर्क था, मतलब ये इलाके वाइज जिस तरह जेल था ना सावन की तरह मौसम भी रहे कभी किधर। अपना 5वीं प्रवास पे आप देख लें, जिले की 5वीं प्रवास पे रब्बा में काफ़ी सारी तेज़ बारिश आई है, तो 20-25 किलोमीटर आगे जिले चिनौड़ की बाउंड्री में मौसम वैसा नहीं रहा। वैसे मौसम में मौसम का क्या कह सकते हैं, बाकी चलता है सब कुछ। अच्छा मिट्टू भाई मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि बारिश भी आई तूफान भी आया, पार्ट ऑफ गेम है, होता रहता है, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पोजीशन जा रही थी और सबको ये पता था अगर ये 2 फिरतें 5 और 11वीं फिरत अगर ये मौसम का ना होता तो फिर रिजल्ट कुछ और का और ही होता, खैर ये पार्ट ऑफ गेम है। आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रैक्टिकली अच्छा हरीफ किसको पाया? रिश्ता होता है सारों का, इज्जत का, एहतराम का जी। अच्छा हरीफ जो जिससे मोहब्बत ज़्यादा, जो गपशप ज़्यादा है, वो एक तो सबसे नज़र कोट मोमिन वाला माशाल्लाह, और अब्बा में बादशाह है इंग्लैंड वाले माशाल्लाह, के साथ अच्छा शौक भी होता है और बातचीत भी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी अल्लाह हरीफ दे सबको अच्छी दे। अच्छा रब्बे की बात आ गई शुरू से ही, तो एक बात बताएं जी मिट्टू भाई जी, रब्बा ज़िला चनियोट में है जी, शुरू से रब्बे का रिजल्ट मेरे ख्याल से कुछ अलग रहा है पूरे ज़िले में जी, पूरे ज़िले की नस्बत रब्बा का जो है ना रिज़ल्ट अच्छा रहा है मेरे देखने में आता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि चिन्हट में जो खिलाड़ी हैं वो कम सरमादार हैं, मजदूरदार तबका ज़्यादा है, ज़्यादा है रब्बा में, ज़रा फैमिली के लोगों की बहर है, बाहर सेटल है, पैसे वगैरह लोगों के पास था सरमाया, तो सरमाए की वजह से भी शौक में काफ़ी बेहतरी आती है। तो बाकी हर बंदा अच्छी की तरफ दौड़ता है जी, बिल्कुल, और अच्छा सीखना भी चाहिए, बिल्कुल, कोई अच्छा है तो शर्माना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए, तो बंदा नहीं सीखेगा जो अपनी मगरूरी में रहेगा वो मारा जाएगा माशाल्लाह। तो ये तो मिट्टू भाई ठीक हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया जब चांद चढ़ता है तो लोग देखते हैं, आपका रिज़ल्ट आया, आप माशाल्लाह पंजाब के चैम्पियन भी हुए, तो चिनियोट की एक पहचान बने आप। चिनियोट के शौक की के मुतल्लिक आप क्या कहते हैं कि देखे ना ये हमारा ज़िला है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ से ही हमने शौक करना है, तो चिनियोट ज़िला चिनियोट के शौक के मुतल्लिक आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है शौक जो आजकल चल रहे हैं ना पंजाब भर में जी, अकेले चिनियोट में नहीं, शौक गलत रंग ले रहा है हमारे चिनियोट में भी। और आप बात ऐसी बताता हूँ जो जो मेरी बात सुन रहे हैं उस्ताद अकराम वो भी इस बात को मानेंगे
जिस इलाके में जितना बड़ा प्लेयर होगा ना, जितना बड़ा प्लेयर होगा काशी भाई जी, उस उसको इलाके वाले नहीं मानेंगे। हाँ, आप जितने आप मतलब 3 दफ़ा पंजाब की चैंपियनशिप जीती है, 19वें जीती है, 6 रोज़ा 20वें चैंपियनशिप जीट की जीती है, और 21वें विसाख चैंपियनशिप पंजाब की जीती, 3 मरतबा 3 सालों में 3 मरतबा हमने जीट की चैंपियनशिप जीती है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से। हम जो मर्जी कर रहे हैं, हम 120 दफ़ा भी जीत रहे, हमारा इलाका हमारी मुखालफत कर रहे हैं। ये असल से जो होता है कि कोई जो बड़ा उस्ताद है अपने इलाके में, उसकी भी लोग मुखालफत करेंगे, अपने इलाके वाले आपको कभी नहीं मानेंगे, आपको अगर इज्जत मकाम ज़्यादा देंगे तो वो बैर के लोग देंगे। ठीक है ना, अपने इलाके में सबसे ज़्यादा हसद होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। अगर याद रखना, जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसे कोई गिरा नहीं सकता, मिलकर भी इकट्ठी हो जाए ना, उसको जिल्लत नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह पाक का फैसला है जी, वातु इज्जु मन तशा वातु जिल्लु मन तशा बियदिक अल खैर, के अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, हर खैर अल्लाह करीम के हाथ में है। तो ये ऐसा ही है जी, मगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ज़िला है, हमारा घर है ना, हमें इसकी बेहतरी के मुतल्लक कुछ सोचना होगा, कुछ अमली इकदाम उठाने होंगे कि जिससे हमारे ज़िले का शौक बेहतर हो। तो उसके लिए कोई आपके जेहन में कोई बात हो, कोई आइडिया हो कि किस तरीके से हमारे ज़िले का, हमारे घर का शौक अच्छा हो सकता है। मिठू भाई देखें, आप तो यहाँ पर हैं ही हैं, मेरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके लेवल की, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, आपके लेवल की छतें और भी निकलनी चाहिए। क्या क्या काशी भाई, बात ये है कि आपको ज़्यादा बात नहीं बताता, इसी साल देख लेना जी, मुझे दिली खुशी है, जिसके पास 20 कबूतर वो भी लेटर लगा के कबूतर उड़ा रहा है, माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा लेटरों की तैयारी हो रही है जी जी। सब अब लोगों को पता चल गया है, लैट में बिठाएंगे तो जीत होगी, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। जब ऐसा ही है, हमने स्टार्ट की था लैटो वाली कबूतरबाजी, लोग कहते थे पता नहीं बैठते छोड़ लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ये बैठते छोड़ लेते, लोगों को पता नहीं होता कबूतर रात बैठ कैसे जाते हैं, बड़े बड़े उस्तादों को पता नहीं था कबूतर रात बैठते हैं कि नहीं बैठते। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लगा रहे हैं कि रात बैठते हैं, ठीक है, अब उनको पता चल गया कि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, रात कबूतर बैठते हैं, ठीक है। जहाँ आपकी बात चन्योट बवा शहर की एक हो रही थी, एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे, काफ़ी जब का मैं आपसे रिलेटेड हूँ, मैं आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी फैसलाबाद में सी और शहरों से भी बड़ी एक पॉइंट वाली कॉल है जो मैंने आज तक आपको नहीं पूछी अपने दिल से, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्यों, कि लोगों को भी क्लियर हो जाए, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपके शागिर्द हैं, जहाँ जहाँ तक कि आपकी पहचान बन गई है, उनको भी ये सब क्लियर होना चाहिए। एक ये चन्योट शहर में लालियाँ मेरे भाव में कादियानी बहुत पाए जाते हैं, क्या आपका ताल्लुक किस मज़हब से है? अपना अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत जमात वालों से है, मशरक़ी बंदे, तो तबलीगी जमात वाला हूँ मैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला भी लगा हुआ है, मेरे बेशुमार सरोदे लगे हुए हैं। तो देखो, ये शहर है, हमने कभी भी किसी की मज़हब पे हुटिंग नहीं की, ठीक है, हम सब कबूतर परवर हैं, उनके साथ तल्लाक है, शौक है, मेरे शिकित भी कादियानी है, ठीक है, और उसके आपका शौक भी इनके साथ होता है, बाजियां लगती हैं जी, बिल्कुल होता है जी जी। मज़हब के मेरी उनसे ना कभी बहस हुई है, ना मैंने कभी की है, ना मैंने किसी के बारे में मज़हब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बिल्कुल। अहले तशरीफ भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अहले सुन्नत जमात वाले भी, क्रिश्चनों से भी तल्लाक है, सबसे तल्लाक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। इस सवाल पे आप क्या कहते हैं हसन भाई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, माशाल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम उनके एक अदना से उम्मती हैं, तो हमारा ईमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, तो हम उनके सच्चे जो है ना आशिक रसूल हैं, तो और जो है ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे शहर में जितने भी भाई हैं, एक कादियानियों का आपने बात की, उनकी एक भारी कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है, बेशक बेशक, रब्बा शहर ज़्यादातर उन्हीं के नाम से जी जी पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी भारी एक लाखों में कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है, तो हमारा तो एक मखसूस थोड़े से आपको पता है, सबको पता है कि चांदे के घर हैं इधर जी, तो बाकी सारी बात है, वो हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके जिला वाले टूर्नामेंट में भी खेलते हैं, बिल्कुल। बाकी खेल है, खेल में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, मजहब के बारे में बात
हाँ कभी मुनासिब सी बन जाती हूँ, कभी मजबी कभी इनके साथ हमारी गुफ्तगू पहले भी नहीं हुई तो मरीद हम करना भी नहीं चाहते, शौक ही तक उनके है, उनके साथ है, अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं अपना अकीदा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। आपका अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। अच्छा, उसके बाद एक जो आज लाइफ आने का एक बड़ा एक अहम मकसद था, वो मैंने लाइफ आते ही वो बात लाजमी छेड़ी है, दानतार साहब की, तो उसके हवाले से हसन भी पहले मैं आपसे सवाल करूंगा। आपकी बड़ी एक वॉइस ग्रुपों में चल रही है, हाँ, वो आपने कोई गाली वगैरह दी है, क्यों मसला, क्या मसला था, किस तरह वो बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, मेरी वॉइस है जी, मैंने वो उनके साथ बदतमीजी के जो अल्फाज थे वो मैंने ही बोले थे, मैं इस पे जो ना कभी नहीं मुकरूंगा कि वो मेरी वॉइस नहीं है। अब अली भाई मेरा एक, आप और काशिप भैया बैठे हैं, एक आप बताएं, काशिप जब आप चनीओट में शुरू शुरू आपने ये मीडिया वाला काम शुरू किया, और अली भाई जब आपने स्टार्ट लिया था, आपकी मेरी पहली मुलाकात गुजरात में हुई, गुजरात याद है आपको, बेशक बेशक बेशक। तो आज तक आप बताएं, कभी मैंने आपके साथ जितने भी दोस्त अब आप और भाई देख रहे हैं लाइव, या जितने भी दोस्त हैं शौक से वाले, इस शौक से हट के, कभी मेरी ऐसा को कभी बात गुफ्तगू आपने नहीं सुनी? जी बिल्कुल, कभी भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये सोचें कि उस बंदे ने कितना मजबूर किया होगा मुझे इस जुबान इस्तेमाल करने पर। मैंने उसको काफी बार समझाया कि जब आपका हमारा शौक नहीं होता, मेरा और जाती उस बंदे का कोई शौक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, वो अपना विलेज एरिया में खेलते हैं, इलाकाई टूर्नामेंट खेलते हैं, तो ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुपों में हम ऐड नहीं थे, वहां पे गलत नजेबा गुफ्तगू की जा रही थी, तो मैंने उसको 2-3 बार समझाने की कोशिश की है, मगर वो बंदा हद से ज्यादा गलत गुफ्तगू, क्योंकि बंदा जब 365 दिन मेहनत कर करके बंदा थक जाता है, अपना जलील हो जाता है कबूतरबाजी के पीछे, आपको पता है हालत क्या होती है जब आप सीजन में आते हैं, तो उस दौरान उस फिर बंदा वो देख के और तुमते लगाए किसी प्लेयर के पीछे, या वाकया सरगोधा में कोई हो उसको हमारे साथ जोड़ दिया जाए तो वो बुरी बात है ना, तो इसलिए मैंने उसको समझाया, वो बिल्कुल भी नहीं समझा, मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की और कॉल पे बदतमीजी की, और मैं बिल्कुल जज्बात में आके मैंने उसके नंबर पे कॉल करके उसको गालम गलोच किया, और वो आगे से उन्होंने रिकॉर्डिंग पे फोन लगाया हुआ था, वो आगे से उस पे यस नो पे बात कर रहे थे, आगे से उनकी प्लानिंग थी कि एक रिकॉर्डिंग, ये 3-4 महीने पहले का वाकया है, इसके पीछे वो एक नहीं है, इसके पीछे और भी उसके साथ, इसके पीछे एक पूरी एक लॉबी जुड़ी हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग उनके पास चलेगी, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम ग्रुपों में लगा देंगे, मैंने पहले दिन से उनको कहा था कि आप भी शक ग्रुपों में लगाएं, मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक मिनट जरा हसन भाई, ये लड़ाई वाला वाकया होने से पहले वो इस ये बात आपको करते थे कि ये हम रिकॉर्डिंग आपको आपकी ग्रुपों में लगा देंगे? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने गजनफर जवेद बाजवा साहब मेरे हरीफ हैं उनको भी सेंड की, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें सेंड की लड़ाई से पहले, ये तो 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, अच्छा ये 2-3 दिन पहले की हुई है, यानी ये पूरा प्लानिंग के साथ उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया? हाँ ब्लैकमेल किया। अच्छा तो जी उधर रिकॉर्डिंग इन्होंने 2-3 दोस्तों को भेजी, उन्होंने हमें भेजी, फिर उसने कहा कि जी ये आसिम चद्दड़ जो हमारे किली खेल ग्रुप के हैं उनके साथ भी तैर की अच्छी दोस्ती थी, वो बीच में पड़े, उन्होंने सुलह करवा दी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस बंदे से सॉरी करनी है, तो मैंने कहा आसिम भाई इसने गलत किया, गलत जुबान इस्तेमाल ग्रुपों में की है, तब जाके मैंने इसके साथ ये इस हद तक पहुंचा हूं। खैर आसिम ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ आपका, आपने मेरी खातिर सॉरी करें, अच्छा जी हमारी मेरी टेलीफोन उसके साथ बात हुई, राना तैर के साथ बात खत्म हो गई। आपने सॉरी की? हाँ मैंने उसको सॉरी की जो अच्छा। मैंने सबसे पहले मुझे जब पता चला ना इनका मसला बना, मुझे राना तैर के वॉइस मैसेज आया, ठीक है ये मसला बना, उसने रिकॉर्डिंग सेंड की 3 माह पहले, 3 माह, ठीक है बाजी 3 माह हो गए थोड़े से गाली गलोच हुई है, ये दौरान बाजी हुई है, ये बाजियों से पहले फड़कों में हुई है, दो तीन दिन बाद क्यों गाली वगैरह आपने असल में क्यों दी थी, क्या वजह थी जब आपने असल में? आपको एक बात बता दूं, हुआ ये कि सरगोधा में मारा एक शिगिर्द उड़ रहा है मलक जवेद, बेशक उसकी छत पे जो मुंह से बैठा था उसके साथ उसका 1-to-1 मुकाबला था, और सबसे मोटी बाजी और सबके साथ भारी बाजी भी उसके साथ थी, और वो जो मुंसिब था वो अपने टूर्नामेंट का सदर भी था। अब ये दोनों बंदे पंजाब कप नहीं उड़ रहे थे, दोनों को नहीं पता था कि पलंटी का मतलब क्या, और पलंटी कितनियां लेनी होती हैं, दो पंजाब में 2 पलंटियां होती हैं, बिल्कुल मलक जवेद ने 3, हमारे शिकिर ने 3 पलंटियां ले ली,
तीन पलंटियां ले ली, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो 5 दिन आपके पास टूर्नामेंट थे, ये छठी परवाज में गई उन्होंने तीसरी पलंटी ली है, सातवीं में सातवीं उड़ाई गई है, सातवीं उड़ाई गई है। अच्छा तो ये पलंटी ले ली गई, तो इन्होंने जनाब वो मुनसिफ जो था वो अपने टूर्नामेंट का सदर था उसको भी नहीं पता था, उसी ने कहा आप पलंटी ले लें, आपका कबूतर खराब है आप पलंटी ले लें। खैर ये वाकया हो गया, इस राणा तैर ने ग्रुपों में शोर डालना शुरू कर दे, बेईमानी होगी बेईमानी होगी बेईमानी। जब मैंने कहा अगर मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा अगर उसने बेईमानी की है तो वो आपको बाजियां भी देगा, वो जो जिन टूर्नामेंट में था वो इनाम भी नहीं लेगा अगर उसने बेईमानी की है। जी आपने मैसेज सुना होगा, जी बिल्कुल सुना, आजकल फिर वो मैसेज चला रहे हैं, जी जी बिल्कुल। तो ये बात बाद में पता चला कि ये वो मुनसिफ को भी नहीं पता, मुनसिफ ने कहा मुझे भी नहीं पता चला, पहले दिन से मैं आ रहा हूँ पता नहीं चला कि पलंटियां दो थी या तीन, ना मलक जवेद को पता था ना उसको पता था। खैर मैंने कहा इसका फैसला करवा लें, उसका फैसला हुआ, ये मोइन नवाज घुमन पार्टी थी उसमें राजा काका पार्टी थी, तो सैफुल्ला खान बुलवाल वाले खुद थे। ये फैसला हुआ, एक दिन पूरी उसकी परवाज काटी गई सातवीं, जिस दिन उसने कबूतर डाला था वो पलंटी वाला, और आगे जितने दिन वो कबूतरी उड़ी है उसका टाइम कट गया, तकरीबन गालबन 100+ घंटा उसका निकल गया। माशाल्लाह ये किन किन असातिज़ा ने किया था फैसला? उस्ताद सैफुल्ला खान बुलवाल वाले उन्होंने, और ये राणा तैर खुद उसमें शामिल था, सिग्नेचर करके आया है, आसिम चद्दर था, अरशद भट्टी जो है पार्टी मोइन नवाज वो था, और सनाउर महाराजा राजा काका पार्टी से फैसल रवाना था, और भी सरगोधा के मकामी लोग थे। उधर ही फैसला राणा तैर के शिगिर्द का बुलवा अपने बेरा से था, उसी कमेटी ने फैसला किया, सेम यही फैसला था, उसके एक कबूतर के पैर कड़ी थी नंबर वाली, उसका सिर्फ कबूतर का टाइम काटा गया। राणा साहब इधर आए, इन्होंने मेरे शिगिर्द से हारा हुआ था, इसने पैसे देने थे ठीक है उनको, तो और भी इसके पास बाजियों के पैसे थे, इसने कहा मैं उस फैसले को नहीं मानता, साइन भी बलवाल वाले और अरशद भट्टी साहब सरगोधा के, वो भी अपना टूर्नामेंट करवाते हैं। ये भी था, ये ज्यादती बनती है कि एक बंदा, कुछ लड़ाइयाँ होती है शौक से और कुछ लड़ाइयाँ होती है जब मजबूरी बन जाए। बेशक इसने मेरे शिगिर्द, मैं शिगिर्द कब का फारिग कर देता, अगर मेरे शिगिर्द की ज्यादती होती मैं कब का फारिग कर देता, ठीक है। अगर राणा तैर हलफन कह दे कि मैंने जिंदगी में उससे गाल क्या ऊंची जबान से भी बात कभी की हो, इतने फैसलों के बाद मैं फिर भी उसके साथ कभी बात नहीं की, हसन मुझे पता होता मैं कभी हसन को भी ना कर देता, मैंने 10 बार खुद भी मत की उससे, यार मेरे आपने जो भी कहा मेरे भाई का हक नहीं बनता था आपको फिर भी गाली देने, वो आपका जर्फ था हमारा जर्फ गलत हुआ है, इसलिए मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई को झूठा किया, मैंने कहा मेरा भाई झूठा है आप सच्चे हो, बेशक आपने जो भी कहा वो आपका जर्फ था, इसने अपने जर्फ क्यों गिराया, क्या बात, ठीक है। मैंने इससे भी माफी करवाई, मैंने कहा अगर आप फोन पे खुश नहीं होते तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, बहुत बड़ा, इससे बड़े बहुत खूब जी। जब मैंने देखा ना कि उसकी टोन ज्यादा खराब है जी, ठीक है, तो अब शिगिर्दों को कह रहा गिदड़ों का ग्रुप फिरता है कहता शेर मारना बात नहीं, हाँ जी शायद मैं भी होता फिर मैं भी कुछ गलत नोटिस करूं तुम्हारे सारे यहां दी, मतलब ये बात करने वाली नहीं। अब उधर आमने सामने उनकी छतें, मतलब एक दो एकड़ का फर्क होगा। अच्छा एक पोस्ट है चढ़ी हुई जो ग्रुपों में वॉइस के साथ अक्सर शेयर हो रही है कि उस्ताद मिठू लाली ने के अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, उस्ताद मिठू लाली साहब ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कातलाना हमला किया, तो मेरे ख्याल में मेरा अपना जो ख्याल है आपकी शख्सियत को आपके इखलाक को आपकी सीरत को देखते हुए मेरा ख्याल जो ये है कि आपको शायद लड़ाई का पता भी लड़ाई होने के बाद चला हो, ये जो बीच में लिखना है कि साथ मिलकर, इस पर आप क्या, ये तो ट्रेंड चला हुआ है, ये तो मतलब किसी को बदनाम करने के, जब बंदा खेल नहीं सकता मुकाबला नहीं कर सकता तो तुम दिल लगाते हैं, ठीक है। तो अगर राणा तैर वाइस कर दे हलफन, मुझे पता है मैं इसमें गिल्टी हूँ, तो मैं जो जुर्माना कर, हम दोनों में से कोई उसको मारने गया है, मारने गया है, और मैं कसम खा कहता हूँ मुझे पता भी नहीं, जब लड़ाई होगी है ना ये मामला बना है, उसके मतलब 53 मैसेज आया है जो इनके पहले 2 घंटे ग्रुपों में मैसेज, सब फेक खबरें चला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं यार, कभी और के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी और के साथ नहीं हुई। तो हाँ। ये जो राणा ताहर साहब है ये कहाँ तक एक शौक, किस लेवल का शौक करते हैं, पंजाब लेवल? बात सुने मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ, जब इंसान कबूतरों में पहचान ना करवा सके अपनी,
एक चौधरियों का गांव था, ये मेरा लतीफ़ है ज़रा गौर करना जी सर। एक चौधरियों का गांव था, ठीक है, उसमें सारे चौधरी रहते थे। वो जब बैर जाते थे ना तो सारे कहते आओ जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब, सारे शॉपकीपर बाजारों में जाना। दो थे चौधरी मगर उनकी पहचान नहीं थी इतनी। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान कैसे करवाएं यार, इनकी तो बड़ी पहचान है। ये जाते थे आगे कहते चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, इनकी बड़ी इज्जत है, चौधरी तो हम भी हैं, ठीक है ना, हम अपनी पहचान कैसे करवाएं। उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने ये करना है कि जिस शॉप पे ना रश होगा ना, उन्होंने बोस्की के कपड़े सिलवाए, लट्ठे के सिलवाए, पग लेकर आए, बांधी खुशी नीचे पहने, उसने कहा एक दूसरे बाजार से आ जाना, एक दूसरे से आ जाना आमने सामने, ठीक है, जिस दुकान पे रश होगा दूर से कहना ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, मतलब जोर जोर से चौधरी साहब का सीने से लग जाना है। लोग पूछे कि ये कौन से चौधरी हैं जी, कहेंगे ये भी फला फला गांव के चौधरी हैं, असल में ये सारे चौधरी बन रहे हैं, ठीक है ना, अपना तारफ किस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये तारफ अपना करवा रहे हैं कि लड़ाइयों के बीच में अपना घराने को ये हो गया तो ये हो गया, ताकि पता चल सके कि कोई अपना रात भी है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे किया, ये विलेज की लड़ाई, उसका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। मेरा शकीर भी जो है ना वो भी उस्ताद, उसको मैंने सादी पाक दी हुई, ये भी उस्ताद है, निजामी ग्रुप का था, निजामी साहब ने इसको फारिग कर दिया, ठीक है, अब ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हुआ, ये विलेज लेवल के शौक करते हैं। जो निजामी साहब ने इसको फारिग किया, आपकी लड़ाई से पहले फारिग किया हुआ, बहुत पहले किया, मतलब कुछ 6 महीने हो गए होंगे, बिल्कुल लड़ाई तो 3-4 दिन की है ना जी जी, मतलब ये सारा फेक काम यार। वो तो देखे दोस्तों जो आपके जानते हैं अखलाकन आपसे, जो एक बंदे यार हम हाजी नहीं है, ये आपको बता दें हम हाजी नहीं है, बेशक हम इंसान है, गुनहगार है, बिल्कुल आदम की औलाद है जी, ठीक है, गुनाह हमसे होते बहुत ज्यादा होते होंगे, मगर बात ये नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है लड़ाई कब हुई क्या हो, और राणा तैर से हल्फा बयान ले लो आप कि जब हसन का मामला बना मैंने 10 दफा उससे माजरत की, जरफ जीत बाजवा साहब मेरे मुखालिफ है, उनको भी पता है, मतलब वो आगे मजबूर इस तरह कर रहा था कि आओ फलां दाड़ी सारे की जरूरत नहीं, मतलब शकील जज्बाती में आके गया और अकेला गया, ये भी ईमानदारी से बात है, अकेला गया, अकेला बंदे ने जाके जो मामला किए, जो उनकी लड़ाई हुई उसने, इन्होंने उनको मारा या उसने ये मारा, असल इनकी छतें हैं आमने सामने करीब रोड के ऊपर, इनकी मोहल्लेदार है जो लड़ाई हुई, वो अकेले ही आ रहा था, इनकी पहले थोड़ी देर पहले ग्रुपों में काफी ज्यादा जो तलक कलामी हुई थी, तलक कलामी हुई है, मेरे पास मौजूद पड़ा 53, एक ने 53 मैसेज पढ़ा है, चलो वो तो बाद में आपको देंगे, आप ग्रुपों में आप लगा देना जी जी। तो वो रोड पे इनके आमने सामने छत्ते थी, रोड पे इनका आमना सामना हुआ है, ये गालबन 3 थे, 2 इसके साथ वाले मेरे ख्याल में भाग गए, वाह, तो राणा साहब के, तो वो जहरी बात है, अगर वो जख्मी हो जाता था अब हम कह देते कि वो मजलूम है, अब इसको चोटें लागी तो इनकी अपनी करतूतों की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है मेरे ख्याल में इस मौजू पर बात बड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अल्लाह पाक राणा साहब को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, तो शौक में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी सूरत नहीं होना चाहिए, तो हमें अपने मामलात पहले ही ज़रा दुरुस्त रखने चाहिए कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना। बहरहाल खैर जी, अली भाई पूछे कुछ सवाल जी। मिठू भाई, पहले तो कबूतरों के लिहाज से काफ़ी बात होगी, उसके बाद ये ताहिर भाई वाला जो आज बहुत मेन किरदार था, जो मेन वैल्यू था आज लाइव आने का, एक बहुत अहम मकसद था, वो आपने बातें सब क्लियर कर दी हैं, ताहिर का बता भी दिया वो कौन है क्या है, क्या मामला था, लोग काफ़ी, उसके बाद आते हैं हम शिगिरदी के हवाले से, उस्ताद जो शिगिर्द करते हैं, सीवल करते हैं, शिगिरदी के हवाले से आपका क्या अजीम कहता है, मतलब किस तरह क्या बात कर रहे हैं, जिस तरह शिगिर्द मतलब हार वगैरह अपनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, फिर बाद में सीफे भी लग जाते हैं, उस हवाले से आपका क्या रद्द अमल है भाई। आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब है कि एक वक्त में कोई ना कोई रिवाज शुरू हो जाता है ना भाई, एक रिवाज बन गया है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि शागिर्द जब भी कोई होता है वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक माला या हार उस्ताद को पहनाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला बड़ा हार उस्ताद राजा काका साहब को पड़ा था, वो जो बहुत ही बड़ा था, तो इस तरह जैसे शागिर्द कोई होता है वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपने उस्ताद की इज्जत अफजाई करते हैं, तो बाद में अक्सर ये देखने में आया है कि मामलात कुछ बिगड़ते भी हैं, हैं जी, फिर कोई बातें भी निकलती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज मैं आपको बात बताऊँ, इधर से आपने बात की है ना जी जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा ये सवाल। अच्छा जी, मेहरबानी। शागिर्द
उस्ताद को 5 लाख का भी हार बनाए ना, 5 लाख का, 10 लाख का भी बनाए, जो उस्ताद है ना उसकी प्रैक्टिक, उसका प्रैक्टिकल 20 साल का हो, उसका 25 साल का हो, ठीक है काशी भाई? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। 20 साल को 25 साल का हो, शकीर 20,000 का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं, आपको ये मैं बात बता दूँ। 50 का बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा 50 का बनाएगा, 5-4 लाख लाभ तो बहुत कम बनाते हैं ना जी जी। उस्ताद की 30 साल की मेहनत हो, 20 साल की मेहनत हो, 25 साल की मेहनत हो, ठीक है यार, एक मंथ का उस्ताद की मुशक्कत देखो, उसने अपनी 30 साल जिंदगी का तजर्बा आपको बताना है, 30 साल का जिंदगी का तजर्बा उसने आपको सिखाना है और अपने बच्चों की तरह सिखाना है, ठीक है बिल्कुल। और उसमें ये देखो कि उस्ताद का सरमाया कितना लगा हुआ है, 30 साल में उसने कितने खर्च किए हैं, कितनी मुशक्कत उसने की है इस नौबत पे आने के लिए, ऊपर आया है, फिर वो तरीका अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, और शागिर्द 50,000 का हार डाल के ये कहते हैं हमने उस्ताद खरीद ली है, ये बहुत गलत बात है। शागिर्द मैं कहता हूँ 5 लाख का बनाए तो उस्ताद को नहीं खरीद सकते, ये उनकी गलत फहमी है। अगर उस्ताद उसको 2 टिप्स भी दे देना ठीक से, 2 टिप्स उनकी उम्र के लिए वो भी बहुत है, ठीक है ना। ये तो फजूल बहस है कि अक्सर मैंने देखा ग्रुपों में भी जिसके पास हार नहीं होते उस्ताद शागिर्द नहीं करते, फलाह नहीं करते, निगाह नहीं करते, या शागिर्द 20,000 रुपए का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं, हमने 20,000 का हार बना दिया, और ये नहीं देखा कि जिसके 25-30 साल लगे हैं इस शौक में, उसका तजर्बा कितना है, उसका खर्चा कितना हुआ है। यार आप कुछ भी ना करें, उसका 1 महीने का 50,000 लाख भी खर्चा लगाएं तो वो 30 साल आप पैसे नोट करो कितने बन गए। उसने इतने सरमाया जाया किया है, इस नौबत तक आया, उसने सीखा है, और सीख कर वो 20,000 में अगर शागिर्दों को सिखा रहा है तो फिर भी शागिर्दों का 20-50,000 का हार बड़ा है, शर्म वाली बात है ये शागिर्दों के लिए। बेशक बेशक वो उस्ताद, और देखो उस्तादों का भी हक होता है अपने शागिर्दों को सिखाना। अगर शागिर्द ये काम कर रहे हैं ना कि हमने हार बनाया तो हमें ज्यादा सिखाया जाए, ये उनकी घटिया सोच है। सिखाया यानी कि उसे जाएगा जो बादब होगा। देखो मेरी बात सुनो, वालदैन के माँ बाप के 4 बच्चे हैं ना, 3 नाफरमान हो 1 फरमानदार हो, माँ बाप को वही प्यारा लगना जो फरमानदार हो, ठीक है ना। अपने वालदैन को भी वही प्यारा लगता है जो फरमानदार होता है, माँ बाप भी उसी से प्यार करता है, उस्ताद भी उसी से प्यार करता है जो फरमानदार होता है, माशाल्लाह, ठीक है ना जी। आपके भी कई ऐसे शागिर्द होंगे जिन्होंने आपको कोई हार नहीं पहनाया मगर आपकी ताबेदारी उन्होंने की है, तो आपका दिल करता होगा उनको सिखाने का, ऐसी बात है। और जिंदा सबूत है मेरी नजरों में, मेरे ख्याल फैसल मसूणा साहब, वो माशाल्लाह सरगोधे के चैंपियन बने हैं, 19 घरों को जीते हैं, उसके बाद सिरजावल कामरान मेकन साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से जीते हैं, बड़े अच्छे आपके शागिर्द इसी साल में जो हुए हैं, वो जेठ में बड़े अच्छे माशाल्लाह पोजीशन ली है उन्होंने। नहीं मैं ओवरऑल ये बात आपको कह रहा था सारे उस्तादों की, सारे उस्तादों पे उस्ताद फिर कहते हैं कि इस तरह शागिर्द के उस्तादों ने ये किया तो वो किया, आजकल पता तो लगता को नहीं आज आया कौन है फिर निकला कौन है, ठीक है ना। जो बादब बानसी बेशक। अच्छा शागिर्दों की बात चल पड़ी है तो हमें तो पता है माशाल्लाह, आज मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड अपने लाइव प्रोग्राम में एक बात पूछना चाहूँगा। बाज़ लोग कहते हैं कि लाली बरादरान का रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत दरिया के ऊपर है। जी जी ठीक है। लाली बरादरान का रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत है जी दरिया के ऊपर। अब आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि जिन आपके शागिर्दों की छतें दरियाओं पर नहीं है, नहरों पर नहीं है, समंदर के करीब नहीं है, उनका रिजल्ट कैसा है जी? मुझे ज़ाती तौर पर मिठू भाई पता है मगर आप जरा मेरे चैनल की वसातत से बताएंगे तो हमारे नाजरीन को भी इलम हो जाएगा। सिटी का जो कप होता है जी जी, हमें तो इंटर नहीं करते। हाँ जी जी, शहर चिन्यौट का जो कप है इस 2021 को ले लो, बेशक मेन सिटी है जी, चिन्यौट शहर है, उसके जमीन पे कबूतर हवेली में बिल्कुल पाबंद कबूतर है, चैंपियन आपके शहर का वो है बिल्कुल, सबसे पास ये भी जीता है, हारा किसी से भी नहीं बिल्कुल, ऐसी बात है, चैंपियन भी हुआ है, हुआ है सरगोधे में भी रिजल्ट है आपके सामने लड़कों का, हाँ तो दरिया पे नहीं ठीक है, उसके बाद फैसलाबाद में भी हमारे लड़के उस चैंपियन हुए, गुजर खान में भी चैंपियन हुए, ठीक है, मतलब यार ऐसी बात नहीं है, देखो हमारे हम अकेले तो इधर थोड़ी हैं, बाकी भी तो खिलाड़ी उठते नहीं, टूर्नामेंट हिस्सा लेते नहीं, उनके इधर उठते, चलो जी जेठ में कर लो, यह असु और विशाल तो चित्र एक जैसा है,
आज भी आप अस्सू का रिकॉर्ड चेक कर लें, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख हमारा रिकॉर्ड है। चेतर का निकाल लो, आज भी वो हमारा रिकॉर्ड है। विशाख का निकाल लो तो वो भी हमारा रिकॉर्ड है। जेठ का रिकॉर्ड हो तो वो भी हमारा, क्या जी सारा दरिया हमारी तरफ ही है यार। ये जो बंदा ये सोचेगा ना वो कभी तरक्की नहीं करेगा, मेरी बात याद रखना। मैं बाजियाँ अभी अभी फिलहाल 21 में खेल के आए, हरिपुर में खेल के आए, हरिपुर और चिनोट का वेदर चेक करें, नेट चेक करें, पन्नू का कर लें, बहुत फर्क है, ठीक है ना। उधर से मैं हरिपुर से भी जीत के आया हूँ, ठीक है, तो उनका वेदर कभी सोचे नहीं यार। जब खेलना एक मेरा एक मैच बस, मेरे कबूतर शाम तक उड़ने चाहिए, आगे कोई मुझसे मरी में मुकाबला कर ले जाए इस्लामाबाद में, माशाल्लाह बहुत खूब। कबूतर शाम को बिठाने हैं, का काम होता है हाँ। ये कहना वहाँ सर्दी है, कुछ भी नहीं, यानी बेनमाजियों वाले उजर हैं, कपड़े साफ नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूब जी। मार बिलाल जी, आपने शागिर्द किया, मैं वहीं पर मौजूद था, तो पहले साल ही आपने उसके कबूतर उड़ाए, तो माशाल्लाह पहले साल ही वो चैंपियन हुआ। फिर जिला का चैंपियन भी आपका ही शागिर्द है जी, तायर। हाँ जी, जिले का भी वो चैंपियन है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मतलब यार अब लोग ना माने तो क्या कर सकते हैं, वो कटे हैं, ठीक है, किसी से कोई इग्नोर करें, बस अल्लाह की जात जो इज्जत दे रही है बस उसको शुक्र, इस हाल में खुश है। माशाल्लाह बहुत खूब जी, क्या बात है जी। तो आप असवज की तैयारी के मुतल्लिक क्या कहें जी, असवज में आपका मुकाबले होंगे इस दफा, जिले में भी टफ मुकाबले होंगे, शहीदों को भी खुशी कर रहे हैं कि उनकी छतों पे भी जरा गौर किया जाए, माशाल्लाह, ठीक है, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मतलब तादाद होनी चाहिए, तादाद का ये है असूज है, ठीक है, तूफान पड़ जाते हैं, मौसम खराब हो जाते हैं, रात लगे होंगी तो बात बनेगी, रात नहीं लगे होंगे कबूतर फिर कुछ नहीं कह सकते, इन छतों की रात लगे होंगे हमारे भी इन रिजल्ट आएगा जी, बहुत खुशी कर रहे हैं कि हमारी तो हर साल कोशिश यही होती है कि जो रिजल्ट पिछले साल आया ना उससे आगे अच्छा आए, बहुत खूब जी, ठीक है ना, हमारी ये खुशी होती है, बाकी अल्लाह पाक की होती है अपनी, जैसे वो करेगा वो तो वैसे। पंजाब के सारे कपों में पार्टिसिपेट करेंगे, कश्यप तैयारी लगी है तो 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे। क्या ख्याल है, कोई बाजियां भी असवज की लगेंगी, देखते हैं, अभी तो तैयारी अभी नहीं लगी, कोई नहीं अभी नहीं लगी, तो अभी तो काम जारी है ना, चर्मी शर्मी है, कभी कबूतर पदार हो रहे हैं, बिल्कुल खेलेंगे अभी, और उसके बाद एक बड़ा कबूतरबाजी के असवज में या बैसाख में बड़ा नाम बोला लाइटों का, और उसके बाद आपके जो रिकॉर्ड लगी एक घंटे के अंदर अंदर आपके 7 कबूतर बैठे हैं अंधेरे के अंदर, पहला कबूतर 6:30 बैठा है, आखिरी कबूतर 7 बज के कुछ मिनटों में, पहला 7 के बाद बैठा है 7:02 पे, पहला, हाँ जी, 52 मिनटों में 7:52 पे, 2 पे पहला बैठा, 7:52 पे आखिरी, 4 मिनटों में 7 कबूतर बैठना, ये भी आपका ही रिकॉर्ड है। तो उसके साथ ही लाइटों को आप दोस्तों को टिप्स दें, आजकल मेरे जैसे न्यू कमर जो है, लाइटों में कबूतर किस तरह कैसे लगाने चाहिए? इनको तो पहले जब कबूतर आपके पर्दार हो जाते हैं ना, इनको हम निकाल देते हैं बैर, ठीक है, 2-3 दिन बैर रहेंगे, उसके बाद हम इनको घंटा पहले पल्ला मारना शुरू कर देते हैं, शाम घंटा पहले सूरज गुरु बनने से पहले, रास्ता रास्ता ये कबूतर जो लाइट पर आज बैठेगा, आज आप और बात हूँ, आज आपका कबूतर बैठा है 7 बजे, कल वो 7:15 तक इजी बैठेगा, अगले दिन वो 7:30 बजे चला जाएगा, आज ही होता जाता है, एक दफ़ा बैठने का थोड़ा मुश्किल होता है। हेलो जी, हमारे नाजरीन के लिए ये एक टिप कह लो या एक तरीक़ेकार कह लो कबूतरों को लगाने का, जनाब उस्ताद मिठू लाली साहब ने बताया है, तो इस तरीक़ेकार से अपने कबूतरों को लाइटों पर लगाया जा सकता है जी, जिनको ना इलम हो। अभी आप देख रहे हो हम लाइट पर कबूतर लगा रहे हैं, अभी 6 बजे हमने आपके सामने कबूतर उड़ा दिए, एक घंटा पहले जो बैठ के हमारे वैसे नए कबूतर भी अंधेरे में बैठते हैं, बैठ जाते हैं वो 3-4 दिन पहले जाल के ऊपर बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी आदत हो जाती है रोशनी में, वो हाथ उतरते हैं चढ़ते हैं। असल काशिप भाई बात ये है कि जिन भाइयों की छतें जरा है, मसलन बाहर अकेली, मसलन अपनी जमीनों पे बाहर उन्होंने डेरों पे छतें बनाई हुई हैं, जो उनके लिए काफी आसानी हो जाती है लाइट का लगाना, क्योंकि करीब करीब रोशनी नहीं होती, तो हमारा ज़रा ये है कि हम शहर में बैठे हैं तो यहाँ पे ज़रा तादाद काफ़ी ज़ाया करने पड़ते हैं कबूतर, तो इसके लिए आपके पास तादाद होनी ज़रूरी है। और आप लाइटों के लग जाएंगे शहर के अंदर भी, मगर तादाद होनी ज़रूरी। काशी भाई हमने कभी ये देखी नहीं,
अनमोल कौन सा है अब 2 साल से, क्या बात, काजल कौन सा है जो लैट पे बैठेगा तब पता चलेगा कौन सा बैठ रहा है, जो चलेगा चलेगा माशाल्लाह, वो कभी भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे नसीब लिखे गए ना वो दुनिया सारी जोर लगा रहे, अल्लाह की जात मेरे साथ है ना दुनिया जो मर्जी कर रही। बिल्कुल ऐसा ही, पूरा चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा ईमान है बेशक ठीक है, बेशक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात है सच्ची करनी है। क्या बात, ठीक है। उसके बाद मिठू भाई जो असो की तैयारी करते हैं आप, जो बाजी के लिए आपने 1 डे की या 3 दिन 5 दिन वाले एवरेज में, वो कबूतर किस तरह के कबूतर आप लाते हैं बाजियों में अंदर या असो के कपों? भाई जब लैट के लग जाते हैं ना फिर वो आसमान वाला हो या नीचे फिरने वाला हो इसकी बात नहीं होती, ठीक है। हमने जो बिसाक उड़ाया वो मीडियम क्लास कबूतरों के से उड़ाया है, ठीक है, मतलब नॉर्मल कबूतर जो 7-7 घंटे उड़ने वाले कबूतर है, मतलब असू में भी 7 घंटे उड़ने वाला कबूतर हो ना उसके लिए शाम कौन सी मुश्किल है यार, 2 बजे खुद बैठता हुआ 1:30 बजे बैठता हो शाम, उसके लिए कौन सी मुश्किल है? अगर फिर आप वो शाम तक नहीं जाते फिर वो बात तो नहीं है ना, फिर वो सारी बात ही घंटा ना पड़े, क्या ठंडा मौसम है यार, बिल्कुल ना पलटाने पड़ेंगे, पलटाओ भी तो कोई मसला नहीं, ना पलटाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं। अच्छा वो कहते हैं ना कि इंटरव्यू में कुछ मवाद ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे न्यू कमर शौकीन है जो भाई वैसे होते भी सर, अगर इतने न्यू कमर ना हो माशाल्लाह दिन ब दिन आपके शिक्षकों की तादाद बहुत बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है बिल्कुल, और इसी तरह आपके शिक्षक भी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा मैं ना आपसे ये पूछना चाहता था कि मौसम आ रहा है असवज का, अच्छा जेठ गुजर गया है, जेठ और असवज की खुराक में क्या बुनियादी फर्क है जो आप डालते हैं? बात अगर बतानी है ना तो वो बतानी है कि जो आप करते हैं मिठू भाई, जेठ है ना जी, आपको टिप्स दे रहा हूँ ध्यान रखना, जरा ऊंची देनी है जरा समझ भी आए, थोड़ा सा आगे निकलना है, हर किसी ने अपना नसीब लेना है बेशक। जब कबूतर आपका छोड़ने का वक्त होता है ना सुबह का, उस वक्त कबूतर के पास आप देखेंगे या रिहाइश रहेगी तो मारा जाऊंगा, नहीं रही तो क्या हुआ, बहुत मेंटेन करके कबूतर उड़ाना, असू में भी बिल्कुल नहीं, जेठ की बात, जेठ में हाँ की बात पहले पूछ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें फर्क नहीं छोड़ना चाहिए, जिन लोगों के जाया होते हैं उनमें मसला कोई ना कोई जरूर आ जाता है, दवाइयाँ सबकी मिलती जुलती होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, किसी का कोई खतरनाक पानी भी हो सकता है ये अलग बात है, मतलब बहुत मेंटेन करना पड़ता है जी, 100/100 करके छोड़ना पड़ता है अगर आपने जी असू जिसका ठुला लग गया वोट भरे हो फिर भी कबूतर शाम तक उड़ते हैं, खाली भी कबूतर शाम तक उड़ते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें वो जेठ वाला बात नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आप खुराक में बुनियादी फर्क पूछ रहा हूँ, खुराक जेठ में तो बंदा ठंडी मंडी कर लेता है जी जी, मसलन कैसे कर लेता है, मतलब गर्मी के हिसाब से कबूतरों को बंदा नीचे ऊपर कर लेता है, ठंडी चीजें डाल सकता है उस आने को संभाल को फिर आगे, पसंद आएगी ना हमारी सारी बातें ना खुलाए तो ये बात है कि हाँ की अपनी अपनी चॉइस है, आप किसी को गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है, किसी को कहवा अच्छा लगता है, किसी को चीनी वाली अच्छी लगती है, तो हर की अपनी अपनी चॉइस है ना, कोई बाजरा डालता है कोई भोरे डालता है ठीक है, कोई खुराक सब डालते हैं, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी है, कोई गोश्त खाता है कोई सब्जी खाता है, तो इस तरह हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। बिल्कुल मिठू भाई एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक जेठ में जो कबूतर उड़ाने चाहिए सुबह क्या कल्टी करके उड़ाने चाहिए या देख के इससे वो क्या दिक्कत है? ये हर बंदे की अपने पर डिपेंड करता है, उसके खेल पानी पे उसके अपने तरीकेदार पर डिपेंड, आप क्या थ्योरी देंगे इसके हवाले से? मेरी थ्योरी शायद ना ठीक हो तो इसलिए आप इसको रहने नहीं, एक वो फैसल भाई हैं उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मुझसे वे लाल भी पूछे कि कबूतर पलट के छोड़ने चाहिए या हाँ या ना, कंडीशन चेक है कबूतर है ही खाली, एक कबूतर खाली जनाब इशफाक नजीर साहब उन्होंने कहा जी कैमरा क्लोज करें, एक कबूतर है ही घंटा पहले खाली हो चुका है तो फिर उसको कल्टी करने का फायदा तो कोई नहीं, कबूतर के पास खुराक ओवर खड़ी है तो उसको कल्टी करने गोली हर जाए, बेशक ठीक होगा। और दूसरा हसन भाई आपसे मुझे कल भी बड़े दोस्तों ने जब मैंने स्टेटस लगाया था उसके बाद काफी दोस्तों ने ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट की है आपकी जो लगन बैरी वाला सर ठीक हो गया पूरे पंजाब में व्हाट्सएप नंबर पे रابطہ कर ले
रंग नहीं, मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप पे, उस पर आप व्हाट्सएप देख लें कि उसमें आपको कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मेरे दोस्त हैं, अगर उनके कबूतरों की जान बच जाए हमारी वजह से माशाल्लाह, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो उसमें आप ले लें हीरा हिंग, वो आपो ये पिनसार से मिलेगी। जी जी पिनसार से। हां वो ले लें, बड़ा पॉइंट नोट करने वाला काफी। एक तोला ठीक है वो ले लें, एक लीटर आप सिपर ले लें। तो उसमें आप जर्दा रंग ले लें 20-25 रुपए का, वो ले लें। हीरा हिंग को आप तवे पे गरम करके ब्रीक कर लें। तो इसमें थोड़ी सी आंवला गंधक भी ले लें, वो ले लें, उसको भी पीस लें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, तो ये आप दूसरे तीसरे दिन बाद कबूतरों को जो है ना वो येलो सा कलर बनेगा, वो आपने कंधों पे लगा देना भरने हर दूसरे तीसरे दिन। हाँ आपने कहा कि हीरा हिंग ले लें एक तोला, एक लीटर सिपरेट में उसको तवे पर गरम करके। नहीं सिपरेट को तवे पे आपने नहीं करना, नहीं हीरा हिंग को तवे पर गरम करके पीस के सिपरेट में डाल लेना है, और उसमें 20-25 रुपए का जर्दा रंग डाल लेना है, उसको हिला के रख लेना। आमला गंधक ये वो भी ले लें, उसको भी ब्रेक कर। आमला सरगंधक। देखें जी बात ये है कि पहले मैंने भी, हमारे पास भी ऐसे इशू यहाँ पे लगड़ भरी काफी होता है, तो मैंने ये चीजें इस्तेमाल की और मुझे फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो इसलिए काफी दोस्तों ने मेरे साथ ये मशवरा किया था, तो पहले मैं भी नहीं मान रहा था। ये भी मेरा एक शागिर्द है, उसने मुझे बताया था कि उस्ताद जी ये लगाएं तो इससे जो है ना काफी फर्क पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत खूब। तो ये दोस्त दरमियान में कहते हैं जी मेरा सलाम बोल दे, इमरान जट साहब कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दे, हमारे प्यारे हसन भाई साहब चनेट से वो कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे भाइयों, मैं सलाम इसलिए नहीं बोलता कि ये एक तसलसल टूट जाता है। ये देखा ना कैसी प्यारी प्यारी बातें मेरे प्यारे भाई कर रहे थे, तो अब वो तो रुक गई ना। तो आपकी सबकी इज्जत मेरे हसन भाई साहब मिठू भाई साहब के दिल में है, तो सबको जनाब सलाम, और सबको सलाम का जवाब भी दे दिया है हसन भाई ने। तो अब इससे आगे चलते हैं जी अली भाई। मिठू भाई आपके बहुत ही ज़्यादा शिगिर्द मेरे पास आए हुए हैं, जैसे कि शेर खान साहब और उनके भाई अदनान साहब, फिर काफ़ी शिगिर्द आप काफ़ी ऊपर चले गए, जबकि 3-4 दफ़ा उन्होंने मैसेज कर दिया उस्ताद जी को सलाम, हसन भाई को सलाम, उस्ताद जी को सलाम जी, तो फैसलाबाद से भी कई बंदे आपको ऑनलाइन देख के मैसेज दे रहे हैं सलाम कर रहे हैं। तो अब किस कबूतर का शौक करवाएंगे आपको? ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा। अच्छा जी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के कबूतर होंगे। क्या बात, एक दफा फिर क्या कहा आपने? आज आपको वो दो कबूतरों का शौक करवाऊंगा, एक मादी का और एक नर का, जिन्होंने पंजाब जीता हुआ है। खुद उन कबूतरों ने जीता, चैंपियन कबूतरों का शौक आप करवाने लगे हैं। अमीर मुख्तार की छत पे कबूतर उड़ा है साकिब वाला का, जिसने पूरे पाकिस्तान को जीता है 2020, बिल्कुल उड़ा है पिछले साल जी उड़ा है। और 19 में मेरी मादी उड़ी है नराली, बेशक उड़ी है जी, मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ माशाल्लाह। तो आज आपको अच्छे कबूतरों के ऊपरों का भी बताऊंगा, यानी कि ये भी एक बात सामने आ गई कि चैंपियन ही चैंपियन पैदा करते हैं, बिल्कुल अच्छी नस्लें मिलकर एक अच्छी नस्ल बनती है। बिल्कुल, ये जो रंग रूप वाले देखो हमें नहीं, मुखालफत नहीं है किसी की, मगर एक जेन्युइन बात है जी। तो जो चैंपियन कबूतर होते हैं ना वो और होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही और होता है। माशाल्लाह जी, ये देखे मिठू भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मेरे भाइयों को इस पर गौर करना चाहिए। अब जो कबूतर मिठू भाई दिखाएंगे वो चैंपियन कबूतर है, और चैंपियन भी जेठ के चैंपियन है, निराली मादा शाम से पहले है ही नहीं है। हाँ, 8 के बाद की परवाह साके वाले काजल की और कंबेरी कबूतरी 7 के बाद ही बैठती थी। माशाल्लाह, तो मैं अपने तमाम देखने वालों चाहने वालों सुनने वालों को जरा हमातन गोश करूंगा। अपना काशिप भाई और अली भाई जी, कबूतर बिल्कुल उड़ते जेठ में जी, वेदर के हिसाब से उड़ते हैं जी जी, वेदर 37 भी जेठ में होता है, 38 भी होता है, शाम उड़ते हैं, वो शाम नहीं होती। हाँ। तो सालों के शाम बैठ रहे होते हैं, शाम वो होती है जब 47-46 पड़ जाए, फिर शाम जो कबूतर बैठेगा। क्या बात, लो जी एक सवाल मैं करना चाहूंगा हमारे बहुत प्यारे भाई मेरे मोहसन, और ये मीडिया की लाइन में मुझे बेहतरीन गाइडेंस देने वाले भाई फाक नज़ीर साहब गुजरांवाला से,
पूछ रहे हैं जी, कबूतर की परवाज में बुनियादी किरदार किस चीज का होता है? आपने कहा कबूतर उड़ने वाले और होते हैं, फैंसी और होते हैं, दिखलावे वाले और होते हैं, उड़ने वाले और होते हैं। आप मिठू भाई बुनियादी किस चीज को बुनियादी चीज समझते हैं कि ये चीज कबूतर में जरूर होनी चाहिए? सबसे पहले कबूतर के लिए जो ब्लड लाइन है ना, उस पर फोकस करें। बात समझ रहे मेरी? ब्लड लाइन पे, उसका खून ठीक है। जब भी कोई चीज जीतेगी उसकी ब्लड लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, ब्लड लाइन आप किसे कह रहे हैं? खून जो कबूतर का होता है, नस्ल जो होती है, नस्ल होती है, एक नस्ल उड़ी हुई है, वो परखी हुई चीज है, बिल्कुल ठीक है ना। वो एक तुक्के से बंदा पकड़ता है। मैं जाता हूँ एक खुडे में जाता हूँ, उसमें 100 कबूतर है, मैंने अब तुक्के से कबूतर पकड़ा है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, हो सकता है वो मेरा तुक्का गलत है, मैंने अपनी तरफ से उसके पर देख के सब कुछ देखा, उसके हिसाब से मैंने उसे चेक किया, हो सकता है वो मेरी बात गलत साबित हो, ठीक है ना। मतलब जो कबूतर, कबूतरों की नस्ल परखी होती है, ये पिपला वाले कबूतर लोगों को नहीं पसंद आते जी, मतलब ये उनके कलर ऐसे हैं, मगर इनमें जो ब्लड है वो चैंपियन ऑफ द चैंपियन, माशाल्लाह। देखने में सादे मुरादे हैं उनमें कबूतर, जब भी वो जोड़ा लगाते हैं चैंपियन कबूतर लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ा लगाने के लिए कबूतर लेकर आया हूँ, आज दोनों चैंपियन कबूतर देख रहे हैं। और आपको और बात बता दूँ, जो चैंपियन कबूतर होंगे ना वो बड़े कबूतर नहीं होंगे। वाह जी वाह, ये एक बात बहुत बड़ी सामने आ गई कि चैंपियन कबूतर बड़े कबूतर नहीं होंगे। गर्मी के, हाँ गर्मी की बात जी, गर्मी की बात ही, गर्मी भी पड़ेगी ना, असवज विसाख में तो उड़ जाते हैं बड़े बड़े। गर्मी में जो कबूतर शामों को जाके बैठेंगे ना, हाँ आप मेरे पास देखना चाहो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो उन्हें जो टेम्परेचर मीडियम साइज में होंगे, मीडियम क्लास में, माशाल्लाह बहुत खूब जी। उनके परों की स्टाइल, उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, क्योंकि हमने काशिप भाई हमेशा उड़ाकर कबूतर जोड़े लगाए हैं जी जी, हमें नहीं पता चलता। बंदा इस तरह के, हर बंदा देखता है ये अच्छा है अपने हिसाब से वो देखता है, मगर परखी हुई चीज को क्या परखना, बिल्कुल। एक बंदा धोखे पे धोखा देता है, वो जितना भी हसीन हो जैसा भी है तो धोखे पास। एक बंदा रंग का काला है, वफादार है, क्या बात है, बहुत खूब काला हो मगर उसकी वो बात अलग है, वफादार, वफादार। इसी तरह कबूतर भी वफादार बनाने चाहिए, हाँ, जो मालिक की इज्जत की खातिर लड़ते हैं, माशाल्लाह बहुत। ये भी आपके एक दोस्त होते हैं, बिल्कुल। जिस तरह मुश्किल वक्त आए तो दोस्त काफी छोड़ जाते हैं ना, हाँ, जो आपके मुश्किल वक्त बाजियों में आपका साथ है वो आपके वफादार कबूतर, बेशक ऐसा ही है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये बात है, हमने इन चीजों को फोकस किया हुआ है, बाकी आपकी तैयारी होती है वो हर बंदे के पास अच्छी से अच्छी है, तो कबूतर फिरोजपुरी हमारे पास जो ज्यादा पर है वो ही है, ठीक है। उसमें कसूरी भी है, फिरोजपुरी भी हमारी बैस नहीं नस्ल कोटी की ना जी जी, नाम ने कभी की है, लेकिन जो आपको बताया जो शाम करेंगे वो मीडियम साइज करेंगे, गर्मी में टेम्परेचर में देख लेना जाके, आप छतों पे जाते हैं शॉप करते हैं जी जी। यार जो घोड़ा दौड़ने वाला है उसमें मास्क इधर होता है नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें उम्र गर्मियाँ होती हैं, बिल्कुल। तो भाई आपके फेवरेट कबूतर कौन से हैं सारी नस्लों में, जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कबूतर है? अली भाई मेरे पास जो जो उड़े हैं ना मेरे वही फेवरेट है, जिधर से उड़ता है ना मुझे पैसों से मिले मैं फिर भी लेने की कोशिश में होता हूँ, कभी थका नहीं जी, अच्छी नस्ल का कबूतर रखने का शौकीन हूँ। मिट्टू भाई गर्मी वाले कबूतरों के आज़ा कैसे होने चाहिए? उस्ताद इश्फाक नज़ीर साहब का सवाल है, हमारे साथ हैं तो सवाल भी मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल बताएंगे आज। ऐसी बात नहीं है, मुश्किल की बात नहीं, मैं आपको कबूतर दिखा रहा हूँ जी, ठीक है। आप उन कबूतरों को देखिए, हाँ ठीक है, जब भी आप चैंपियन कबूतर देखेंगे ना गर्मी के जी जी सर्दी के लिए, ठीक है, तो आपको कबूतर बता देंगे उनके, सबसे पहले जी गर्मी में वो कबूतर उड़ेंगे जो आपके हाथ में आए उनके वजन ना हो। बहुत खूब जी, पहली बात ये कि कबूतर लाइट वेट हो, आपके हाथ में हो तो ऐसे लगे कि जैसे उसका कुछ है ही नहीं, वजन है ही नहीं, वजन ठीक है। और एक कबूतरों की नस्ल होती है, और जो कबूतर हम कहते हैं गर्मी में हाजमा रोक जाते हैं ये भी कबूतरों की नस्ल होती है ज्यादातर। हेलो, ठीक है, इनमें भी काफी सारे कबूतरों की नस्ल होती है वो गर्मी में अपना हाजमा नहीं चलाते, इनको अगर आपने बेहतर चलाना है तो इनके में वो कबूतर डालने पड़ेंगे जिनके हाजमे बहुत अच्छे तेज हैं, हाँ। हमने वो कभी कबूतर जोड़े में डाले ही नहीं जिनके हाजमे ना अच्छे, जिसके ऊपर दो दो चार चार घंटे बैठना पड़े वो कबूतर आप आगे नहीं चलाते, रात को बैठ थोड़ा सा ऊपर
अब इसको जो मैं आपको पहले बात बता रहा था जी जी, कितनी बड़ी है ये पहले ये बताएं मुझे। ये बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है ये, ये देखिए। और आप आपको आज चैंपियन कबूतरों का शौक कराऊंगा और पता ये जोड़ा लगाना है जी। अगर मेरी छत पे ऐसे ऐसे रखिएगा पिट्ठू भाई, मेरा फेवरेट कबूतर है तो वो ये मादी है। क्योंकि उस्ताद मुकुल अली साहब अपनी बहुत ही फेवरेट मादी का शौक करवा रहे हैं इस टाइम। पिट्ठू भाई फेस मादी का आंख और फेस थोड़ा सा कैम के जरिए देखिए, बस ऐसे रखिएगा माशाल्लाह जी। ये उस्ताद मिठू लाली साहब की छत पर सबसे फेवरेट मादी है इनकी। ये कबूतरी दो फड़के छोड़ दो पहली स्टार्टिंग वाली जी, तीसरी बजे दो ढाई बजे बैठेगी माशाल्लाह बहुत खूब। उसके बाद जितनी मर्द इसको परवा दे ये शाम से पहले नहीं बैठे। ये निराली मादी ये संताली उड़ी है, संताली में भी शाम बैठी है, 48 में भी शाम बैठी है, हर मौसम में शाम बैठी है। जब 2019 में रमजान लगा था ना लोगों की 12 नहीं बाज रहे थे, ये उस वक्त शाम शाम बैठी थी आपकी छत पे। ये शाम तो वाजियों में बैठी है सही बैठ, पंजाब चैंपियन भी है, पंजाब चैंपियन भी कबूतरी 7 दिनों में 90 घंटे इसने बनाए थे, 90 घंटा प्लस कर गई थी ये पहले दिन में 7 बजे। और वो बात तो आपकी चैंपियन की जो मैंने आपको बताई है वो आपके सामने है। कबूतरी का वजन देख लें, वेट देखिए माशाल्लाह उस्ताद मुखलानी की मादी हर ठीक है सीजन माशाल्लाह चैंपियन रही है। और हर फड़क 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाली नहीं है, 4 बजे एक दिन भी नहीं बैठी है। अच्छा ये जब परवाज लग जाती थी 6 से पहले इसका जरा मज को डूब जाना महीना होता है पंजाबी में, 6 से पहले इसका बैठना महीना है इसको, क्या बात है 13-14 घंटे से कम जितना मर्जी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर से बात ही नहीं मामला। और इसके बच्चे भी आगे शाम शाम बैठ रहे, उसके बच्चों के बच्चे भी शाम तक बैठ रहे माशाल्लाह बहुत खूब जी। अच्छा इसमें कौन सा पर है बता सकते हैं आप जरा? यार इसमें ना एक कबूतरी मेरे पास आई थी मेरे घर की नहीं है ठीक है, इसमें कसूरी पर है भर। क्या मेरे को टिक कीजिए बस चीज में हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बंदा जो माशाल्लाह जो अच्छी उड़ जाए वो कहता है मेरे घर की है, मेरे घर की है नहीं, मेरे पास आई थी मगर अब इसकी काफी सारी नस्लें मैं चला रहा हूँ आगे, मेरी फेवरेट कबूतरी है। सही हो रहा पर पे अब इसका पर पे गौर करना, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। और वो चैंपियन कबूतरी है और ये चैंपियन कबूतर है पाकिस्तान का, इसका भी पर देख लेना और वेट भी देख लेना, सेम देख लेना, उससे बातें ना मिलती तो मुझे कहना आगे फिर नुक्ताबाजी जो है बंदा खुद करता है। देखिए माशाल्लाह मैं आप लेके आ जाऊंगा जी मिठू भाई। अब लो जी माशाल्लाह ये मैं साके वाला काजल, साके वाला करवाऊंगा, बड़ा सुना होगा साके वाला साहब की जी बिल्कुल ऐसा ही है, निराली मादा का ये शौक करें साके वाला काजल। इसकी क्या परवाजें रही हैं खान साहब की छत पे? इसकी जो पहले तूफान में बैठा था सुबह बैठा था, अच्छा पिछले 10 दिनों में 45 मिनट उड़ा था पहले पर तूफान में जी, उसकी 10 परवाजों में 125 घंटा बनाया था। ये उस्ताद मिठू लाली साहब की चैंपियन निराली मादा का पर है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भाई देख सकते हैं और से देख लेना, उसका भी वेट देख लेना, उसके भी हिसाब देख लेना और सेम ही कबूतर भी देख लेना। ये इसका दूसरा पर देख लेना फर्क कितना होता है चैंपियन कबूतरों का। ले जी पहले उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का एक मेन कबूतर साकिब वाला काजल, काजल का शौक करें सब दोस्त। इस साल भी उड़ता है पर खराब में भी शाम तक ही बैठा, इस दफा इसके पर भी ठीक नहीं निकले थे, स्टैंप भी लगी हुई आखिर उड़ा पड़ गई तो फिर भी टिक करना कैमरे को बस। ओके ओके ले जी माशाल्लाह उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब काजल कबूतर। अब ये उस्ताद मिठू लाली की चैंपियन मादी और खान साहब का काजल कबूतर चैंपियन, इसका जोड़ा लगाएंगे माशाल्लाह और आगे चैंपियन खानदान बन ये जी। निराली मादा की आंख है, इसका शौक करें कैसी चमकदार आंख है ये माता जी। ये इसके पंजे हैं खुश्क और जामनी बारीक पंजे जो खान साहब की छत पे लगी हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा। आखिरी दो बाजियां जो दसवीं और ग्यारहवीं जो मोर है भी आपने पूछा मैं आपको, ये उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की
स्टंप लगी उनकी छत पे। इसका पल्ला देखिए, उसका देखो सेम और ये दूसरी मतलब अब देखिए जी माशाल्लाह इसका पर, पहले भी मैंने आपको चैंपियन पर दिखाया है और अब इसका पर दिखा रहा हूँ। अब इस दफा इसके पर ठीक नहीं निकले, मिठू भाई बता रहे थे, फिर भी हेलो जी, ये कबूतर है जी, चैंपियन कबूतर है पाकिस्तान का, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की छत पे 2020 में ये कबूतर उड़ा है, जो साकब वाले कबूतर के नाम से मशहूर है, साकब वाला काजल कबूतर। तो आप भाई इसका शौक करें, मैं आपको इसकी आंख भी दिखाता हूँ। ये कबूतर अब मिठू भाई ने लगाया है जी निराली के साथ, निराली मादा चैंपियन मादा है जी, माशाल्लाह। यानी आपने ब्रीडिंग के हिसाब से लगाया है जोड़ा, ब्रीडर कबूतर बनेंगे इनमें। अच्छा, इनके जो बच्चे निकालेंगे वो उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या ब्रीडिंग ही ब्रीडिंग? उड़ाने में आएंगे तो उड़ेंगे, इतनी उड़ेंगे लगभग कब से, मगर ये उड़ाने नहीं होंगे। आप ये उड़ाने थोड़ी सी बनानी, ब्रीड आगे बनाएंगे। ये इसमें से ये पर खराब निकला हुआ है, उसके बावजूद ये कबूतर हर फिरत में शाम को बैठा है। इधर से देखें इसके पर खराब निकले हुए हैं, ये देखें इन खराब परों के साथ ये कबूतर शाम को बैठा है जी। ये वो स्टैंपें हैं जो जनाब उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की छत पे लगी थी, ये वाली, ये आप देख सकते हैं काजल, माशाल्लाह जी। मादी भी पकड़ी हमारे से कबूतर बन गया सी जी, बिल्कुल सादे कबूतर जोड़े लगा लिए, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है इसी कैटेगरी में आ रहा है जी, ठीक है। और कोई दोस्तों को अब आपको कबूतरी तौर पर शौक करवा देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, आपको एक बात बताइए कि जो कबूतर गर्मी में उड़ेंगे वो इतने ही होंगे, मीडियम साइज के कबूतर होंगे। लो जी, मिठू भाई ने बताया है कि गर्मी में उड़ने वाले कबूतर मीडियम साइज कबूतर होते हैं, ज़्यादा बड़े कबूतर गर्मी में नहीं उड़ते। ये भी माशाल्लाह, ये जोड़ा जी उस्ताद मिठू लाली का, इस कबूतर में काफ़ी तरफरोजपुरी कबूतर है ज़्यादातर। अगर दोस्त सीखना चाहे इन कबूतरों के आगे कबूतरबाजी ख़त्म, अब ये कितने हसीन गर्मी में 500 का ले, ऐसा ही ठीक है ना, ये हकीकत है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हकीकत है, ये तो रिजल्ट शुदा कबूतर है, तो कोई करोड़ रुपए भी दे दो मतलब इस तरह के कबूतर गर्मी में माशाल्लाह। तो वजन आपको फील हुआ है, तो गोश्त है इनकी जिसम पे आज भी, ये कबूतरी ठीक ठाक उम्र के आज भी जिसम पे गोश्त है? नहीं नहीं बिल्कुल फिट है माशाल्लाह, आप भी जवान है। लो जी, ये वो चैंपियन जोड़ा है जो उस्ताद मिठू भाई साहब ने लगाया है, आप इसको देखें, इसका शौक करें, बिल्कुल और देख रहे हैं मीडियम साइज कबूतर है। कि एक जबान से मैंने फोन किया है कि मुझे कबूतर चाहिए, उनके लेकर आए, माशाल्लाह बहुत खूब जी, ऐसे भी उस्ताद है। ये काजल कबूतर है जी, साकब वाला काजल, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब, और ये निराली मादा है जी, चैंपियन मादा है, 2019 की चैंपियन है ना जी, 2021 की वो कबूतरी दिखाता हूँ माशाल्लाह। कि जब पाकिस्तान में सिर्फ दो कबूतर बैठे थे ना माशाल्लाह टेम्परेचर में, उसमें मिठू भाई यहाँ पर मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहूँगा, आप मुझे काले मुँह वाली मादा दिखाने लगे हैं, मैं ये फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि ये काले मुँह वाले कबूतर मेरे उस्ताद अव्वल जनाब उस्ताद शेख मकबूल साहब ने बनाए थे, और अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजल करे। मैंने जितने भी बंदे मुझे मिठू भाई मिले हैं, ऐसा कबूतर बाज इतने तजर्बे वाला आदमी अभी तक मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला, बहुत ही तजर्बाकार इंसान, सादे बंदे थे, खरे बंदे थे, तो अल्लाह उन पर रहमत नाजल करे, बहुत ही अच्छे इंसान थे जी ये शेखों के काले मुंह वाले कबूतर,
मेडिकल वाले बटेरे कबूतर ये सब उन्हीं ने बनाए थे। तो मैंने तो पहले भी शौक किया था यहाँ पर उस मादी का, जब जैन भाई आए थे। तो नाजरीन, अब मैं उस कबूतरी का शौक करवाने लगा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उस दिन नामी प्रभात पंजाब दो कबूतर एंड पे बैठे थे। यहाँ पर 48 गर्मी थी गालबन, हाँ फील जो है ना वो 50 हो रही थी, तो बहुत ही गर्मी थी उस वक्त। गालबन 6:48-47 पर ये बैठी है और एक कबूतर है माशा अल्लाह, ठीक है, बहुत खूब जी। मतलब ये दो कबूतर उस दिन पंजाब के आखिरी कबूतर, ठीक है। उस दिन आपको पता है गर्मी का क्या अशर था लोगों के, क्या कबूतर लोगों के 11 नहीं बाज रहे, बिल्कुल बिल्कुल आकर मर रहे थे। मैंने आपको एक बात पहले बताई है, दोस्तों को भी पहले बता चुका हूँ, जो कबूतर शाम उड़ते गर्मी में वो कबूतर छोटे मीडियम साइज़ के, बेशक ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं, ये वो कबूतर ही है, इसकी ये दुम सारी ना आप इस टेम्पो से भरी पारिश कराए, बाकी गुरु में गिराए में जी जी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चौथी बात भी ये रात, जब मेरे पाँच कबूतर रात रहे हैं ना जी जी, उनमें ये दोनों मैंने रात रह दी। अच्छा, हाँ जी, अब ये दोनों ये जोड़ों में मन डाल दिए। हाँ ठीक है ठीक है, कबूतरियों की बहुत। लो जी, ये काले मुंह वाली कबूतरी है उस्ताद मिठू भाई की, इसका शौक करें, माशाल्लाह बहुत ही काफी अच्छी है। सब जी जी, उनकी पांच हिट होगी थी, मेरी तीन हिट थी, उनकी पांच होंगी थी, मेरी उनको एक चाहिए थी। हाँ, और मुझे तीन चाहिए थे, तीनों आखिरी इन दोनों कबूतरियों ने जीती है। क्या बात। लो जी, ये काले मुंह वाली कबूतरी का शौक करें, और काले मुंह वाले कबूतरों को जानने वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस कबूतरी में मुझे तो कोई क्रास नज़र नहीं आता, ये प्योर काले मुंह वाली कबूतरी है। इसका ये आँख का भी शौक करें आप। अभी मिठू भाई इसको जोड़ों में डालने लगे हैं, तो अब ये और ग्रे कलर में ले आएगी अपनी आँख, पक्की नोकें, लाल कत्थे कलर की टोनियाँ, जामनू और सब्ज गले, वाइट दुम्बे, परों में हल्की लसें, ये हैं शेखों के काले मुंह वाले नायाब कबूतर। ये तो मुंह से पानी आने लगेगा, तो तीन मिनट ऐसे करेंगे माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह दोस्तों, पर मादी के बड़े ही चैंपियन पर देख लें कितने कितने ये बड़ी कबूतरी हैं। ये जी कबूतरी के पार का शौक करें, बाहर के तीन पर देखें कैसे हैं। जनाब सैयद मोहम्मद उमर शाह साहब नारोवाल से, शाह जी क्या हाल है, ठीक हैं शाह जी, काले मुंह वाली मादी का शौक करें जी। अब इसका वेट, इसका बदन, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, बिल्कुल लाइट वेट कबूतरी है और बिल्कुल मीडियम साइज में। इसकी ये 6:47 पे बैठी थी जी मिठू भाई, है भी यंग पट्टी, बिल्कुल तीन पार का बच्चा पर बैठी है, वो भी तीन पार का बच्चा था जी। हाँ। माशाल्लाह इस दफा ये बाजी में जो उस्ताद मिठू लाली साहब की जमादियां शाम तक बैठती रही, शाम की परवाजों के साथ इस कबूतरी ने आखिरी तीन पार परवाजे में बहुत अच्छी दी, काफी सारे मुकाबले बचाए हैं। इसने 6:47 हो गए बैठी, काफ़ी सारी इसने बाजी बचाई सकती। हाँ, ये इसके दुम का शौक करें, मार बाट के गाल की है जी, और ये रजी मलक भाई के, रजी मलक के गाल, माशाल्लाह रजी मलक साहब के पास माशाल्लाह काले मुंह वाले भी अच्छे कबूतर हैं, फिर काजल और अनमोल, और ये कबूतर तो इनके घर के हुए ना जी, उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर की कबूतरी के शौक है आपको माशाल्लाह, जो उस्ताद मिठू लाली साहब के साथ बहुत, ये देखें जी माशाल्लाह प्योर काले मुंह वाली मादा है जी। रामना देखे, जो इसके घुंडल देखे, इसके फर देखे, इसकी बॉडी देखे, ये कैसे कबूतर है, ये क्यों उड़ते हैं, जो कबूतर उड़ता है ना उसको जरूर देखना चाहिए जी, इसमें क्या क्वालिटी है, क्यों उड़ा इतना। पूरी चार उंगल हड्डी है जी इस मादी की, बंद जोड़ है,
और मीडियम साइज मोटे दाना खा रहे हैं यार, अभी देख लो आप इसकी जिस्म पे गोल गोश्त जी, ये देखें ठीक है, बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है जी। बाकी तो फिर जो मर्जी झूठ बोलो, जो मर्जी, ये हैं उड़ने वाले कबूतर माशाल्लाह। मिठू भाई की ये मादा 647 पर बैठी थी, इसके पंजों का शौक करें। बहुत खूब ये जी, क्रॉस मादी का शौक करवाने लगा काले वाली। इस टाइम पाकिस्तान में से दो कबूतर बैठे थे पूरे। लो जी, मैं आपको एक बहुत नायाब मादा दिखा रहा हूँ जनाब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, मिठू लाली साहब की कबूतरी। ये उनके घर की 1.25 लाख वाली ब्रीड से है जी माशाल्लाह। इसको जरा गौर से देखें, उस्तादों के हाथ की बनी हुई कबूतरी। जबकि टेम्परेचर, मैं अपने भाइयों को दावत दूंगा जरा इस कबूतरी का मोरा चेक करें जी, माशाल्लाह जी, उस्तादों के बने हुए कबूतर ऐसे होते हैं जी, क्या बात है, बहुत खूब जी। कबूतरी का मोरा देखें जी जरा, माशाल्लाह का पर चेक करें, बहुत खूब जी। मिठू भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो मियां साहब वाले गोल्डन कबूतर हैं ना जी, वो ज़रूर डले हुए हैं। मियां नजीर साहब के जो डब वाले कबूतर थे वो लाल परी का जी जी, उसका उसकी माँ वो है, ठीक हो गया। आप इसका 1.25 लाख वाला और लाल मोती वाले में से क्रॉस हुआ है, दो आप ये 1.25 लाख वाले ठीक है, लाल मोती जोड़े डाल लिया है और ये जोड़ों का काम कर रहा है माशाल्लाह जी, बहुत खूब। गाने वाले भी अच्छे होने चाहिए, जैकी भी अच्छा हो, घोड़ा भी अच्छा हो। आपके पास एक चीज अच्छी है ना तो दूसरी चीज अच्छी नहीं तो फिर भी आप नाकाम, फिर भी नाकाम। बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है ये, इसके पंजों का शौक करें जी, बारीक जामनी कलर के खुश्क पंजे माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। तो देखने वाले किसी भाई के जहन में अगर कोई सवाल आता है तो करें, जवाब के काबिल हुआ तो इंशाल्लाह मिठू भाई ज़रूर जवाब देंगे। दो चैंपियन कबूतरियाँ, एक उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर की, एक रजी मलक साहब के, जो होगा। मेरे पास कबूतर नहीं थे इसका बाप, हाँ बाजी मैंने पूरे पाकिस्तान से लगा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, मैंने एंड मौके पे यकीन मानो बच्चे छोड़ के बाजी उड़ा दी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बच्चों के साथ बताते हैं काम, जो काम करने हैं फिर करने ही। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आगे जोड़े बहुत अच्छे हमारे पास है, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। हाँ इस तरह नहीं कहते कि बहुत अच्छे कबूतर है, पिपला वाले अच्छे कबूतर वो मेरे पास मौजूद है माशाल्लाह जी। वो तो देख लिया जी, काजल कबूतर चैंपियन कबूतर है पाकिस्तान के, बड़े भी बड़े मेरे पास। अच्छा, इसके चाचे अभी तो आपने बड़े बड़े रुस्तम पीछे रखे हुए हैं, ऐसा जोड़ा पड़ा है अच्छा जो आपको कभी भी छात्र पिपला वाली छात्र भी बहुत कम नजर आए। तो फिर ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि आप उस जोड़े का हमें शौक ना करवाएं। ये ले जाओ अपना तारक भाई और उनको कहो कि फिरोजपुरी माती और फिरोजपुरी नाम का देता हूँ। लो जी, ये हमारी दोस्ती है सालगिरह के साथ जी जी बिल्कुल, वरना वो उस उन कबूतरों का मैं लाखों करोड़ों रुपए भी कहता किसी को जी जी, वो नहीं मिलने वाले कबूतर ये जन्म बात माशाल्लाह। मगर हमारा तल्लक और प्यार और दोस्ती इस हद तक है कि एक कदर वो हमारे बड़े भाई भी हैं, दूसरी साइड में हमारे उस्ताद भी हैं ठीक है, और एक बेहतरीन दोस्त है हमारा, इसका नाम उस्ताद वीर उस्ताद है। क्या बात, ठीक है, हर के साथ उनके अपने तल्लक है, हमारा अपना उनके साथ तल्लक है ठीक है, हर के साथ हो सकता है हमारे जैसे नाम भी हो। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। मगर ये देख लें कि उनके घरों से हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने वो ये नहीं गए, अंदर गए हैं 300 को उतरे 400 जो जो पसंद है निकाल दिए। क्या बात, इतना इस कदर हमारा प्यार है उनसे, हमारे वो बड़े भाई हैं। अच्छा मिठू भाई, आपकी अगेन 2022 की जेठ की तैयारी कैसी चल रही है? अली यार आगे तो 2 महीने मिस हो गए मेरे, टूर पे जा रहा हूँ। अच्छा, पहले घूमने फिरने निकला रहा हूँ,
फिर आके कुछ सादियाँ शिकरियाँ थी वो पी हैं, ठीक है। उसके बाद भी फिर कुछ गर्मी की वजह से भी फिर रेस्ट पे आ गए हैं, डक्कों पे थे। अब आस्ता आस्ता तैयारी पकड़ रहे हैं, बस किस तरह बनते हैं फिर तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। 35-40 कबूतर भी हो गए शॉप की करने में। और जो बाजी का क्या ख्याल है, कितने के घरों से आपकी गालिबन बाजी तैयार हो गई आइडिया? देखते हैं अरे भाई, अभी कन्फर्म नहीं करता आपको, क्योंकि मौके की बात, मौके पे अच्छी लगती है। जो जेठ 2022 में कबूतर आपने उड़ाने हैं, क्या वो आपने वो फेर के बंद नहीं किए हुए? अभी किधर बंद किए, अभी तो जारी बात है, अभी जेठ खत्म हुआ। जेठ से पहले 2022 के लिए जो उड़ाने हैं उसकी कोई तैयारी नहीं की आपने? अच्छा, अक्सर छतों पर ये देखा जाता है कि जेठ से पहले जो ज़रा टाइम बीच में फारग होता है उसमें आइंदा साल वाले कबूतर लोग फेर लेते हैं। चेतर हम नहीं उड़ाते, ठीक है, वो चेतर वाले बच्चे रुके होते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास वो उतना टाइम नहीं होता, हमें 4 सीजन खेलने होते हैं, मतलब 3 सीजन मस्त होते हैं, विशाख असू बिल्कुल ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने होना है कबूतर हमारे थ्रू नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मावत कबूतर नहीं खोल सकते माशाल्लाह, ना हमने वो मावत रखा हुआ कि जो हमारे कबूतर उड़ाए, ना इतना समझदार मावत की जरूरत है, ठीक है ना। माशाल्लाह, ये भी बहुत एक पॉइंट की बात है जी, कि मिठू भाई कहते हैं कि हमारे मुहावत जो हैं छत पर, जो दोस्त हमारे साथ मेहनत करते हैं शौक में, वो कबूतर नहीं खोलते, समझो कि कबूतर खोलने की ड्यूटी इनकी अपनी है। और अक्सर देखा यही गया कि हसन भाई ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से देते हैं। हसन भाई अब रात की देने कर रहे हैं कबूतर उठने उड़ाए हुए हैं। जी जी ठीक है, मेरे पास 2 घंटे टाइम है, मैंने जो पूछना उसके बाद मुझे उसमें बताना, ये जी हुआ जी जी, इनकी ड्यूटी मेरे पास है, ठीक है बिल्कुल, जरा गर्मी से उसे बचा देता हूँ मैं, ठीक हो माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा, मैंने कई जगहों पर देखा है भाइयों को इकट्ठे शौक करते हुए, मगर ऐसा प्यार और ऐसी दोस्ती और ऐसी फ्रेंडशिप वो बहुत कम, मेरे ख्याल में तो अभी कबूतरबाजी की दुनिया में मुझे देखने में नहीं मिली जैसी आप भाइयों की है। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपका प्यार सलामत रखे और बढ़ाए, तो इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा आसान भाई में ना थोड़ा सा जज्बाती पन है, हाँ, उससे मैं रोकता रहता हूँ, कंट्रोल करो, बच्चे है अभी ठीक है, मगर जो खराब बंदा होता है जज्बाती वही होता है, आपको ये बात माशाल्लाह, मिस ना बंदा जो होता है वो ठीक नहीं होता, उससे ज़रा बच के रहना, बच के रहना चाहिए, उसके बाद जो मुंह पे होती है वो कर देता है बिल्कुल ठीक है, गुस्सा भी करता है, मतलब फिर भी गुस्सा तो आता है, लोग जो है ना वो फजूल ऐसी बातें करते हैं। आप पे भी गुस्सा करते हैं हसन भाई? कर लेते हैं। अच्छा जी, जब वो गुस्सा करता है मैं हंसता रहता हूँ, ठीक है, छोटा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाइयों पे हक होता है ना छोटों का, बेशक बेशक, अगर बड़े उसको डांटेंगे तो फिर उसको कौन सा गुस्सा बर्दाश्त करेगा, ऐसा ही बात, बहुत खूब जी मिठू भाई, माशाल्लाह, भाई होते हैं ना हम दो ही भाई, ठीक है माशाल्लाह, तो एक तरफ मेरा बेटा भी है, छोटे भाई बेटे, छोटा भाई है, हाँ जी ठीक है ना, तो एक तरफ माती हैं पिपला वाले। लो जी, अब मैं आपको ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा जो चैंपियन जोड़ा है, जो काजल साकब वाला, उसके बड़े जो कबूतर हैं, ये उसका चाचू, उस कबूतर का चचा जो है वो आपको दिखाने लगे हैं मिठू भाई, तो माशाल्लाह इस कबूतर का शौक करें। और इतने पक्के कलर में फिरोजपुरी कबूतर बहुत कम देखने में आए हैं। सैयद उमर शाह साहब हमारे साथ हैं, शाह जी आपके पास भी फिरोजपुरी कबूतर देखा था, ज़रा ये भी फिरोजपुरी कबूतर देखें, माशाल्लाह क्या नायाब कलर है, अभी इस कबूतर को पकड़ा नहीं मैंने, अभी इसके पर का शौक नहीं किया, तो देखें माशाल्लाह जी कैसा खूबसूरत और पक्के कलर में ये कबूतर है जी। थोड़ा सा कैमरे की तरफ जी, हाँ जी आ रहा ना, थोड़ा सा और बस ठीक जी, फिरोजपुरी मेन कबूतर। अच्छा जी, ये कबूतर आपको जनाब उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमीर मुख्तार साहब ने दिया था? मैं गया हूँ, मैं उनके गुड्डे में चला गया। अच्छा, कबूतर देख कर जो पसंद है मैंने पकड़ लिए, उनको उनके साथ पे बंदा था, उनको डब्बा मंगवाया, डब्बा मंगवा दिया, क्या बात है, बहुत खूब जी, ये माल होता है ना, बेशक बेशक ठीक है ना जी, दोस्ती के लिए मान होता है बिल्कुल बिल्कुल, और उनका अदब जो है, हाँ वो सामने बैठ जाए
सामने बैठ जाए, बात तो शायद मुझसे बोला भी ना जाए, उनके अदब की ये हालत है माशा। जब वो कबूतरबाज से हट होता है तो फिर हमारी यारी दोस्त यार हैं आपके, कबूतरबाजी में आप उनका अदब सबसे ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह। शायद अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी इसीलिए अपने सीनियर्स और अपने असातिज़ा की अदब की वजह से ही दी है। बाकी भाई बात ये होती है कि मैं उस्ताद वीरता का बकायदा शागिर्द नहीं हूँ, आपको पता है जी, मुझे पता उस्ताद बाबू सजाद का मशहूर जी, उनका अल्लाह पाक उनके शागिर्द तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे आमीन। उनके पास जो कुछ था उन्होंने आपको बताया माशाल्लाह। काशी भाई उस उनका कसूर नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल, जो उनका था उन्होंने भाई बताया, क्या बात। मतलब जो दौर चल रहा था जब मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट की है ना जी, सब 12 वाली कबूतरबाजी होती बिल्कुल। अब तो 12 बजे जेट में पहला बैठ जाए तो सारा दिन सर की दर्द नहीं उतरती, बेशक ऐसा ही है। ये क्या हो गया 12 बजे कबूतर बैठ गया हमारा जी जी, वहाँ पहले 12 बजे तो ढोल खड़क जाते थे, बेशक ऐसा ही है। 12 बजे हमारा कबूतर बैठ गया तो जीत गया तो ये हो गया, अब वो बात क्या कहेगी, बेशक बेशक। तो उस्ताद अमीर उस्ताद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है माशाल्लाह, छोटे भाइयों की तरह, क्या बात। तो इंशाल्लाह जब तक मिठू भाई ये जो सीज़न गुजरे हैं 21 का गुजरा है 20 का, तो इन सीज़नों में भी आप उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब से पूछते रहे हैं या कि अब वो वक्त नहीं रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितनी भी शोहरत पकड़ जाऊँ अल्लाह मुझे इज्जत दे दे, मगर मेरे उस्ताद जो जिधर वो है मैं उधर नहीं पहुँच सकता। क्या बात है, बहुत खूब जी, मैं उधर कभी भी नहीं पहुँच सकता, वो मेरे उस्ताद हैं जी जी। बात करो एक टूर्नामेंट में कंडीशन मेरी आती उनकी नहीं भी आती, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं उनसे कुछ समझदार हो गया हूँ, हरगिज बात नहीं हो सकती माशाल्लाह। बड़े हुई हैं उनका सिखाया हुआ सब कुछ है, बेशक बहुत खूब जी। तो बड़े भाई हैं, हमारा वो मान है, हम उनका मान है, बेशक ठीक है ना। एक दूसरे पे गुरूर होना चाहिए, मान होना चाहिए, बेशक भरोसा होना चाहिए, और जब तक शौक करेंगे अल्लाह के फजल करम से उनके साथ करेंगे माशाल्लाह बहुत खूब जी। खत्म करेंगे कुछ लोग, ये मेरे उन भाइयों के लिए मैसेज है जो आज किधर कल किधर परसों कहीं और, तो कहते हैं एक जगह पर रहकर शौक करो, एक जगह पर पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है, ये एक पुरानी मिसाल है। तो जिन लोगों के साथ आप वाबस्ता हो उनके साथ मुखलस होकर चलो, तो माशाल्लाह जी। उस्तादों को भी चाहिए, शागिर्दों के साथ मुखलस हो, शागिर्दों को भी चाहिए। देखो शागिर्द थोड़ा सा स्टार्ट पकड़ता है ना अच्छा जी जी, तो वो भूल जाता है। हाँ मुझे अंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था माशाल्लाह बहुत खूब, जिसने मुझे बुलंदी पर ले गया वो बंदा। हाँ कभी अपने मौसम को ना भूलो, कभी अपने मौसम को ना भूलो, असली और नस्ली बंदा अपने मौसम को नहीं मौसम पे होता भूलता, ऐसा ही है हमारा पहला वार ही मौसम पे होता है। वो कैसे एक कॉल था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि कम नस्ल बंदे का पहला शिकार उसका मौसम होता है जी, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मैंने कहीं पढ़ा है। तो हमें भी चाहिए वो एक शेर आपको यहाँ पर सुना देता हूँ जी, भूल ना जाए, पुराना शेर है। वो कहता है शायर, जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। मिठू भाई जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। तो अब हम जी शौक करेंगे फिरोजपुरी नायाब कबूतर का जी। लो जी दोस्तों ये है कबूतर। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा अली भाई, इस कबूतर का वेट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो अभी आपके हाथ में आता है जितना वो ये कबूतर लग रहा है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है। हाँ जो कबूतर वेट वाले होंगे ना वो कबूतर उतर को नहीं होंगे जी जी। कबूतर का बदन देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, मगर ऐसे ही महसूस होता है जैसे फूल हाथ में पकड़ा हुआ है जी, क्या बात है। ये वो कबूतर है जिस कबूतरों में पड़ेंगे उनकी बर्दाश्त पड़ जाएगी, उनका हाजमा चल जाएगा। अच्छा क्या बात है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह फिरोजपुरी उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का बड़ा कबूतर शौक है सब दोस्त। ये उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का बड़ा फिरोजपुरी कबूतर है जी, तो इसका शौक करें। उंगली लाइव है इधर, उंगली लाइव। तीन पीस रह गए थे उनकी छत पे ये। अच्छा जिसमें दो मैं उठा रहा हूं एक पड़ा हूं। माशाल्लाह जरा कबूतर की आंख का रिंग देखें जी, बाहर का कैसा डार्क रिंग है। असातिज़ा कहते हैं कि ये रिंग कबूतर की वापसी की निशानी होती है, बहुत डार्क रिंग है जी माशाल्लाह बहुत खूब जी। ये है जी
कबूतर। अब मैं इसके पर का शौक करवाऊंगा आपको, दूसरा करवाना सर। देखो माशाल्लाह जी, बहुत खूब नवा पर बड़ा है जी, और दसवां और आठवां एक जैसे पर हैं। सातवां पर देखें कहां तक जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा, ये कैसे खामदार पर हैं अली भाई। देखिए जी माशाल्लाह, जो पर लग रहा अंदर वाले इस कबूतर के 10 पर चेक करें, बगल वाले पर नहीं। अली भाई मैं कहूँगा इस कबूतर के 20 पर चेक करें जी। नहीं मैं वही वहीं पे आ रहा हूँ, पहले हर पर की अपनी एक मिसाल है। हाँ, क्या बात है, मार्शलैंड वाला पर, बगल वाले पर जी, पूरी बगल देखें कबूतर की कैसी है, कोई वेट नहीं है इस कबूतर का। पहली कली बगल से बड़ी, फिर कैसे तरतीब के साथ पा रहे हैं जी, जैसे किताब के सफ़े खुले हुए हों। तो उसे इस पर का आप स्क्रीन शूट लें, काफ़ी मज़ा आएगा तो कबूतर के। ये स्क्रीन शॉट लें इसका, हैं वो हमारे प्यारे भाई एक मीडिया पर्सन है, कहते हैं इसको 20 के 20 पर अच्छे लगे हुए हैं जी जी। तो ये भी इसको मैं भी कह रहा हूँ, इसको 20 के 20 पर अच्छे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह दोस्तों को आज का इंटरव्यू, आज का शौक बहुत अच्छा लगेगा जी। ये इस कबूतर का बैलेंस चेक करें, कोई मैंने अंगूठे नहीं साथ लगाए हुए, कोई कुछ नहीं। कबूतरबाजी खत्म होगी इस कबूतरों पे आकर। ये फिरोजपुरी कबूतर सब जनवन के रंग, ये तो पक्के रंग, ये रंग कबूतरों बिल्कुल बिल्कुल। आप तो फिर आते अपने अपने फिरोजपुरी बना ली। हाँ मगर ये कबूतर फिरोजपुरी। लो अली भाई आप शौक करवाएंगे इसका। इन कबूतरों से पिपला वाले आगे कबूतर बन के आए, ये जनवन कबूतर। अच्छा एक और बात है मिट्टू भाई, पिपला वाले कबूतरों की अक्सर शक्लें जो है ना वो सियालकोटी कबूतरों से मिलती हैं, क्या ऐसा नहीं है कि फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतर मिले हुए हैं? हैं, कसूरी भी है। कसूरी भी हैं। अच्छा मैं पता है कि माशाल्लाह क्या समझता हूँ कि फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतरों में एक हाथ कसूरी का टच दिया हुआ है, मैं ये समझता हूँ। सब कुछ कबूतर है, मेरी बात सुने, बात ये होती है कि जो मर्जी कसूरी भी, कसूरी भी कोई नहीं अच्छे सारे, फिरोजपुरी भी सारे अच्छे कोई नहीं। हाँ जी, सियालकोटी भी सारे अच्छे कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। टैडी भी सारे अच्छे कोई नहीं बिल्कुल, बेमिसाल सब सारे नस्लें बहुत बेमिसाल अच्छी भी हैं, मगर आप अच्छे को फॉलो करें। हाँ बिल्कुल, सिर्फ टैडी को, सिर्फ टैडी ना तक ना पहुँचे, फिरोजपुरी की फिरोजपुरी घाट तक ना पहुँचे रिजल्ट वाइज। यानी कि आप कहते हैं कि नस्ल हो मगर साथ में उसके जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी अच्छे हों, कबूतर अपने फिटनेस में पूरा हो, कुछ ना कुछ उनके पीछे स्टोरी होनी चाहिए। बेशक बेशक, ऐसे तो फिर खुड्डे भरे पड़े हैं। बेशक, क्या बात है जी। लो जी ये वो बड़ी मादा है जी, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की बड़ी फिरोजपुरी मादा है। आप भाई इसका शौक करें, बिल्कुल मीडियम साइज ये आप देख सकते हैं। अगर मेरे पास एंची टेप होती तो मैं शायद आपको एंची टेप से बता देता। कबूतर का दीवाना है साहब। हां साहब, भट्टी साहब ही साजन कबूतर का पेट कैरी शॉप बिल्कुल मीडियम साहब दे देंगे साहब। आ जाए साहब भाई, आपके लिए बड़ी बहुत बड़ी ऑफर कर दी है बिट्टू भाई ने, आपको साजन का माँ बाप दे देंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान आ जाए। आई प्रॉमिस यू। लो जी ये पार है जी, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की बड़ी फिरोजपुरी मादा का जी। इसकी भी बगल चेक करें। एक बात मैं यहाँ पर आप भाइयों को बताना चाहूँगा कि जोड़ा ये ही लगा हुआ है ना, सीधा जोड़ा फिरोजपुरी, इस कबूतरी का दसवां पर चेक करें आपने। ये नाम पर, अच्छा ये नाम है, दसवां निकलना ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस कबूतरी के पर चेक करें, इसकी बगल देखें, माशाल्लाह बहुत आला। अली भाई क्या ख्याल है, ये नहीं कहा जा सकता कि इससे आगे जो है ना वो अंधेरा ही अंधेरा। कबूतरबाजी खत्म हो गई, तीन कबूतरों पे आ गए थे तो मैं पहले क्या चुका। हमारे ख्याल में देखो आप क्या कहते हो, गेट में कबूतर कितने देर उड़ सकता है, कितनी देर उड़ सकता है बस शाम से आगे, फिर क्या होना है, कुछ भी नहीं। क्या बात, ये जनरल बात, शाम क्या, ये 12 घंटे 13 घंटे के बाद
पक्के मारते हैं। क्या बात है, ये खुद 12-13 घंटे उड़ने वाले कबूतर हैं, इनको एक अच्छा उस्ताद उड़ाई जाए, फिर इन कबूतरों में ये क्वालिटी है कि ये उड़ते ही चले जाते हैं। इन कबूतरों की सबसे अच्छी क्वालिटी है आपको बताऊं जी, ये कबूतर जितने ज्यादा उड़ेंगे जी वापस नहीं आएंगे। माशाल्लाह, कबूतर 2-3 फड़के वापस आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, आ जाते हैं, आ जाते हैं, बैठे 3 बजे बैठे वापस आते हैं। एक कबूतर उस जगह पे उड़ते हैं, क्या बात, शाम के फोटो में बैठे तो शाम में बैठते रहे। अच्छी खुराक, मालिक ना गलती करे, अच्छी खुराक, अच्छा दाना पानी दे जाए। पूरी नर का शौक करवाया था, माशाल्लाह उसकी मदी का शौक करवाता हूं। ठीक है, ये जान की बात है, जो कबूतर वापसी करते हैं हमें वो पसंद भी नहीं। हां जी जी, पहले आपको नर का शौक करवाया, अब इन कबूतरों पे अच्छा जैकी हो तो ये उड़ते ही चले जाते हैं, कबूतरबाजी खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल कबूतर बहुत अच्छे हैं, टाइम कम मिलता है हमें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यारी दोस्ती भी भारी होती है, बिल्कुल ऐसा ही, आना जाना बहुत है, अब टाइम कबूतरों को कम होता है, पर उसके बावजूद भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, पंजाब के साथ मिलता जुलता। माशाल्लाह जी, क्या बात है, सियालकोटी कबूतर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो रखने चाहिए जरूरी है, वो भी मेरे ख्याल में हर वक्त की ज़रूरत है, उनके बगैर भी बात नहीं चलती, उनके बगैर भी बात नहीं बनती। माशाल्लाह बहुत खूब जी। तो दोस्तों, आज हमने चैंपियन पंजाब फखरे चने और उस्ताद मिठू लाली साहब, उस्ताद लाली साहब का इंटरव्यू करवाया, आप तक उनकी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें पहुँचाई। बहुत ही अच्छी शिविर लो जी, मिठू भाई कह रहे हैं जी कि मेरे शागिर्दों में खूबसूरत शागिर्द भाई तारक मौका साहब, तो ये इनके हाथ में उन्ना याब फिरोजपुरी जोड़ा है जी, इसी तरह मैंने जोड़ा बहुत अच्छा खूबसूरत पकड़ा, और मिठू भाई के बतौर मेरे शिगिर्दों में सबसे खूबसूरत शिगिर्द है, सबसे नहीं कहा हाँ। लड़ाई ना डलवाओ ये कहा है शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द, यानी कि आपके और भी खूबसूरत शिगिर्द माशाल्लाह हैं जी, खूबसूरत शिगिर्द नहीं हो सकते ये तो सादे मोहतरम की मोहब्बत है। हाँ जी हाँ जी, ये तो सादे मोहतरम की मोहब्बत है हमारे लिए। वैसे आप हैं भी खूबसूरत जी, इसमें इतनी शक वाली बात भी नहीं है जनाब कमोका साहब, माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बात छोड़े ना कबूतर ऊपर, अब जी हम चलेंगे ऊपर छत पे, जो रात की ट्रेनिंग हो रही है।